My heart.
Dimensions.
स्टार्ट तो की हाल सत श्री अकाल वेलकम बैक टू रैली गेमिंग वाईटी और आज हम देख सकते हैं फिनाले का मैच वन और डे वन और इस बार देख सकते हैं हमारे टॉप 18 टीम्स जो है इस बार कंपीट करने वाली और रैली की दोनों टीम जो है यहां पे आई हुई है तो एक बार रैली ओपन द चैट कर दो गाइस और अभी जो है मैं थोड़े कमेंट पढ़ लूंगा और गाइस जो है मैंने अपना मोंटाज वीडियो निकाल दिया अगर आपको देखना हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मेरे चैनल का तो मैं मतलब विजार्ड गेमिंग बिग फैन ब्रो थैंक्स ब्रो और ये हाय हाय चल रहा है सबका और गाइस कम ऑन फट से जाना और फट से जाना लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन जो है ग्रे हो जाना चाहिए और लाइक बटन जो है ब्लू हो जाना चाहिए और अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर लोगो और थंबनेल फ्री में बनवाना तो आप मेरे पास आ सकते हो मैं फ्री में सब कुछ बना के देता हूँ और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस भी डालता हूँ और यहाँ पे रैली भाई जो है थोड़े बिजी हैं तो आज कमेंट थोड़ा कम करेंगे बिकॉज उन्होंने खाना नहीं खाया है और कम ऑन गाइस क्या इस बार अपने रैली टीम के जो रिद है वो आ चुके हैं यहाँ पे क्या इस बार रैली टीम जीत पाती है लेट्स सी गाइस यहाँ पे हम लोग सब लोग को चेक कर लिए कोई भी चीटिंग तो नहीं कर रहा है जैसे कि हम देख सकते हैं और 65 प्लेयर्स आ चुके हैं अभी मैप में थोड़े गाइस फटफट ज्वाइन करना लेट मत हो जाना बस बिकॉज लेट होने का जो है आपको मालूम ही है कॉस्ट क्या करके जो है आपको मैच मिस करना पड़ेगा अगर आप लेट हो गए तो और किसी और की टीम में मत घुसना अपनी टीम में रहना गाइस मजाक में दूसरों के टीम में मत घुसना फिर जो है स्कैम हो जाएगा अभी जो है थोड़ा ही टाइम बचा है कितना टाइम बचा है गाइस मेरे को नहीं मालूम भाई को मालूम है फटफट ज्वाइन कर लो गाइस अभी वो दो टाइम है 2 मिनट का टाइम है गाइस 2 मिनट का टाइम है फट से जाना और ज्वाइन कर लेना वरना जो है आपका मिस हो जाएगा टूर्नामेंट और यहाँ पे देख सकते हैं 18 के 18 स्लॉट जो है पूरे हो चुके हैं बट थोड़ी थोड़ी टीम्स के जो है एक दो बंदे नहीं आ रहे सो लेट्स सी कौन से लेवल पे बूम बम होती है हालचाल सत श्री अकाल नियोन महन का स्टाइल में इंट्रो में राज yes. और जैसे कि देख पा रहा हूँ एक बंदा बोल रहा है कि 2 नंबर में दूसरा प्लेयर आ गया नहीं आया भाई अभी ठीक है निकल गया जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ नेस का टीम ही है 2 नंबर में पिक्सल का अभी तक एक बंदा नहीं आया और टीम नंबर 4 में देख सकते हैं एक नया आ चुका मजाक नहीं करना मालूम है ओके फिर देखा गलती से चालू हो गया फिर हो जाएगा स्कैम ओके गाइस लास्ट मिनट 1 मिनट टाइम है मैं अभी भी देख रहा हूँ टीम नंबर 11 का 2 बंदा नहीं आया और 14 का 2 बंदा नहीं आया तो गाइस और टीम 4 का जो है 1 बंदा नहीं आया है सिचुएशन में जल्दी से आ जाओ 4 में 2 बंदा अभी तक पिक्सेल एक बंदा शायद ये हो गया जस्टर ब्रो आपका ना वो साउंड आ रहा है कौन सा मैंने साउंड कम स्ट्रीम का साउंड आ रहा है बैकग्राउंड से अभी बंद हो गया अभी हल्का सा आ रहा है नहीं मैंने तो पूरा बंद रखा है स्ट्रीम ही नहीं चल रहा है फिर भी एको हो रहा शायद फिर एको हो रहा है स्ट्रीम का साउंड कैसे आएगा स्ट्रीम तो लेट है एको भाई एको हो रहा है आई गेस कुछ करो भाई एको का इधर से तो मैं कुछ नहीं कर सकता एको का गाइस टाइम हो चुका है तो दो
तीन चार पाँच छः, बहुत सारे बंदा अभी तक नहीं आया, तो गाइस चलो 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम। हाँ एक बार एक मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे दे, और अपना हाँ अपना टीम में सब बंदा घुस गया के दे दे, हाँ कोई एक एक दूसरा मिनट बंदा का नहीं एक्स्ट्रा आया। टाइम। मैग्नम ओपी गेमिंग बोल रहे, बूम बम क्लब, बूम बम क्लासिक। या गाइस बूम बम शुरू हो जाएगा अभी हमारा इरंगल में, और यस गाइस 1 मिनट एक्स्ट्रा टाइम गाइस, अभी ठीक है आवाज? 1 मिनट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम। ये बार बार पिक्सल टीम में से ए एक सॉरी बंदा गाइस, मैं बाहर आ किसको रहा है भेज दिया, ये अंदर। ग्रुप में डालते जगह दूसरे को भेज दिया। अभी ठीक आ रहा है आवाज? अभी ठीक आ रहा है एकदम। आई गेस मैं म्यूट करके अनम्यूट किया तो उसके वजह से कुछ हो गया रहेगा। रुको तो फिर टाइम हो गया गाइस, तो मैं स्टार्ट कर दूं? अभी थोड़ा रुक रुको जा, एक बार रुको चेक रुको कर रुको लेते, एक रुको। बार चेक कर लेते, रुक जा हाँ रुक। टीम नंबर 4 फुल हो चुका है, टीम नहीं मैं नंबर वो देखो, नहीं इलेवन देखूंगा दूसरा जगह में कोई है कि नहीं वो देख लूंगा, बस बाकी सब ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं, टाइम हो स्टार्ट चुका है, करो। कोई आया है वो नहीं आया है मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब दूसरा टीम में नहीं है कोई प्लेयर, यस बाकी सब सही है तो गाइस फाइनली स्टार्ट हो गया। एकदम। और यस गाइज हमारा 13 लाइक हो चुका है, तो गाइज हमारा फर्स्ट लाइक गोल आज 20 से शुरू होगा, तो यस गाइज दबा दो सब लोग एक साथ। यस गाइस मैं फट से है ना, और फट से डिस्कॉर्ड दबाना। से मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? ओके ओके ठीक है, डिस्कॉर्ड से इन गेम चले जा तू, नहीं तेरा बड़ा गेम खेल। यस। और जो गाइस मेरा मॉन्टाज वीडियो बाहर आ चुका है जैसे आप देख या सकते हैं। गाइस जेस्टर भाई का मॉन्टाज टाइम मिलेगा तो प्ले करके दिखा भी दूंगा आप लोगों को, और आप लोग जाके जरूर देखना और लाइक जरूर करना जेस्टर भाई का मॉन्टाज वीडियो, बहुत ही ओपी बना है मैंने जैसे देखा हूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा उम्मीद करूंगा मैं। भाई एक ही दिन में गेम प्ले और एडिटिंग करना पड़ा। ओके एक दिन में ही हो गया, ये 7 सुबह खेला मैं और एडिट भी हो गया और डाल भी दिया। फिर बहुत फास्ट एडिटिंग करता हूँ मैं, एक मॉन्टाज के लिए मेरा 4-5 घंटा लग जाता है क्योंकि मैं नया हूं ना अभी। यस आपने तो कल ही बोल दिया था भाई जस्टर स्पोर्ट्स कल डाल देंगे, तो भाई हाँ आपने इतने बड़े ऑडियंस को बोल दिया तो मैं, जबान जबान होता है। वो सोच रहा हूँ यार, यलगर में एक बनाने का सोच रहा हूँ मैं, कॉपीराइट नहीं नहीं आएगा? यलगर एकदम क्लेम भी नहीं देगा, यलगर एकदम फ्री कर दिया अच्छा कैरिंग, ऐसा है, फिर तो मैं तो ये बनूंगा टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर यलगार डाल दूंगा। मतलब उसको मोनिटाइज भी कर सकते हो तुम, एकदम फ्री हाँ कर है दिया। भाई अच्छा है, कैरी मिनाटी ओपी इन द चैट गाइस। या गाइस कैरी मिनट ही ओपी इन द चैट। एक्चुअली कैरी ने बहुत अच्छी चीज की है गेमर्स के लिए कि हम लोग को ये सब यूज करने को मिल रहा है सिचुएशन वो क्लेम दे रहा था, फिर उन बहुत सारे लोगों ने बोला, ईमेल किया और उसने बोला क्लेम भी नहीं जाएगा, तू जो करना करो खाने के साथ, तुम लोग जो कर में। सकते कर लो। मैं रैली बहुत दिलदार, कैरी भी दिलदार है, रैली भी दिलदार है। जॉर्जो पुल में आई गेस हॉट ड्रॉप हो चुका है, जॉर्जो पुल में जो है चार ओके, टीम कर रही है शायद दो टीम दूसरे साइड जा रहे हैं। और भाई ये जॉर्जो सिटी से सबको प्यार हो गया क्या, जॉर्जो इतने सिटी में मैचेस? सही में हाँ हाँ, जॉर्जो सिटी में क्या होता है ना, लूटने के लिए जगह ज़्यादा मिल जाता है तो सोच लेता है कि इधर टाइम भी मिल जाएगा लूट लेंगे, ऐसे करके जाता है शायद। और देख सकते टीम और नंबर 11 में जो है सिर्फ 2 बंदे आए हैं, टीम नंबर 14 में जो है 3 बंदे आए हैं, और ओके बाकी सब टीम जो है फुल है इस सिचुएशन में, और टीम नंबर 16 में भी सिर्फ 3 ही बंदे आए हैं। आई गेस अभी तो सीरियस हो जाना चाहिए सबको, टाइम टू टाइम आ जाना बिल्कुल। चाहिए। और हमारे जो फाइनल में आया, बेस्ट का बेस्ट टीम आया है फाइनल में, तो गाइज आप लोगों को मिलेगा एकदम खतरनाक वाला बूम बम गेम प्ले यस गाइस देखने को बम मिलेगा, तो गाइज सबके सब रेडी हो जाओ। और अपना क्वालिटी अगर फुल एचडी में देखना है तो गाइज आप लोग एक काम कर सकते हो, वीपीएन यूज करके फुल एचडी में देख सकते हो, और आजकल अपना स्ट्रीम बहुत सही क्वालिटी जा रहा है, तो उसको अगर मजा लेना है क्वालिटी का तो वीपीएन यूज करो और फुल एचडी का मजा लो गाइज। और गाइस वीपीएन की भी अगर बात नहीं होती तो पीसी में ट्राई करके देखो, पीसी हाँ में तो वैसे भी हर एक पीसी ऑप्शन में में। कोई दिक्कत नहीं है, जो पीसी में देख रहे हैं मोबाइल में जो देख रहे हैं उसके लिए वीपीएन ऑप्शन है। और यहाँ पर वेब का जो टीम है यहाँ पर सेवरनी में आ चुका है, सेवरनी में आई गेस अकेला टीम है यहाँ पर, यस सेवरनी में जो है अकेला टीम है ये वाली टीम, बट और अब अभी हम लोग देखना मैप देख पड़ेगा। लेंगे, घटका में यस कोई गाइस टीम नहीं है, कंटेनर में एक टीम है टीम बट नंबर लिपोव 12। का मैं देख सकते हैं आई गेस 3-3 स्क्वाड आ चुके हैं, यस लिपोव का मैं 3-3 स्क्वाड आ चुके हैं, ओके और यहाँ पे लिपो जो है टीम ओके नंबर हाँ 15 गाइस के इकलौते बंदे यहाँ पे भाग रहे द बॉस, और यहाँ पे टीआरएफ ऑप्टिमस को जो है मारने की कोशिश चल रही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बट कोई मार तो नहीं रहा है टीआरएफ ऑप्टिमस प्राइम को, फुल तो जो यहाँ पे फॉल बैक कर रहे हैं, फॉल बैक नहीं टीम नंबर 17 के जो 2 बंदे फॉल बैक कर रहे हैं, टीम नंबर 17 के बाकी 2 बंदे जो है लिपो का लूट रहे हैं, वहां पर टीम नंबर बाइक भी मिल 15 के चुका है बंदे शायद, यस टीम नंबर 16 जो है बाजू में ही, और यहाँ पे बूमबाप चालू हो चुका है लिपोव का, में एक ग्रेनेड जो है बहुत ही लो हो चुका है, और
ग्रेनिंजा को जो है मार गिरा दिया गया है सिचुएशन में, और जो बाकी है एक्स एम्परर वो अकेले छुप रहे हैं शेक के अंदर, और पीछे और उनका भी जो है हेल्थ बहुत लो हो चुका है, अभी नॉकआउट कर दिया गया है और जो है उसको भी फिनिश कर दिया जाएगा। और यहाँ पे स्टार्टिंग में टीम नंबर 17 के दो प्लेयर्स खोते हुए टीम नंबर 17 के सिर्फ दो बंदे जो है अभी जिंदा है, और यहाँ पे टीम नंबर 6 को देख सकते हो जो है सब लोग अलर्ट हो चुके हैं बिकॉज टीम नंबर 16 का जो नॉइस है वो आ चुका है। बट टीम नंबर 16 के पास एक डिसएडवांटेज है, आरबीएक्स ग्रुप का जो हेल्थ कम है और सिर्फ तीन के तीन ही प्लेयर है, यहाँ पे क्लैशर जो है उनके पास पूरा का पूरा एक स्क्वाड है। चलो अब चलते कहीं और देखने जहाँ पे फाइट हो सकती है। आई गेस मैप जूम करने के बाद तो यही लगता है कि लिपोफ्का में ही फाइट हो सकती है। एक बार रैली टीम को देख लेते हैं, रैली टीम है, रैली टीम की साइड में है। और नाइट टीम को देख लेते जो हमारी पिछले बहुत सारे गेम से बहुत अच्छी खेल रही है वो है टीम नंबर 1 नाइट, जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स है उनके पास और जो एकदम अच्छी तरह से लूट कर रही है। आई गेस लूट इंपॉर्टेंट है, फिर फाइट लेना चाहिए। और हमारे चैट में आ चुका है हमारा निखिलेश भाई। और मेरा ना स्ट्रीम लैब्स को मेरा पर्सनली ये मैं बोलना है कि उसका जो है प्रोफाइल पिक जो लगा है ना बहुत ओपी लगा है, बहुत सही लग रहा है। रेनबो वाला एकदम कलरफुल भी और अट्रैक्टिव भी है, सिंपल भी है एकदम। इसी को रखे, वो चेंज ना करे इसको। यस इसी को ही रखे। और यहाँ पे पीछे टीम नंबर 5 को देख सकते हैं, आई गेस प्रिजन जाने की कोशिश कर रही है, नहीं आई गेस मिल्टा पावर जा रही है टीम नंबर 5। जब प्रिजन में देखा तो पहले से एक टीम जो है कॉन्कर करके बैठी। अरे और फाइट हो चुका है एक्स का टीम के साथ, एक बार देख लेंगे हम लोग एक्स का टीम कहां पर है। यहां पर वेयरहाउस में है जो दो बंदे जो है उनके नॉकआउट हो चुके थे आई गेस अभी जो है एलेक्स कट जो टीम था, एक मिनट एलेक्स हां मिल गया टीम नंबर 17। एक बंदा नॉक है, हां गोकू अकेला है यहां पर। यस बाकी दो जो बंदे हैं ना उनको एक्चुअली प्रीमोस्क में ही यहां पे मार गिरा दिया गया था, और जो उन्होंने टीम 14 के एक बंदे को नॉकआउट कर दिया, और बाकी जो टीम 14 वो सामने ही जो है क्लोज इन कर रही है। क्या हमें इधर फाइट देखने मिलेगा? आई गेस देखने मिलेगा बिकॉज़ टीम 14 भी जो अपना रिवेंज लिए बिना शांत नहीं बैठने वाली है। इट्स 2v2 देख सकते टीम नंबर 5 जो है वो थोड़ी टीम नंबर 1 के बाजू में ही, और टीम नंबर 16 जो है क्लोज इन कर रही है। लिपोफ्का में आ जाओ भाई, यहाँ पे फाइट होने वाला और चालू हो चुका है फाइट। ओके लिपोफ्का गाइस आ चुका हूँ भाई। मेरा जो रेंडर है ना वो एकदम फास्ट हो रहा है, मतलब 5-6 सेकंड में रेंडर हो रहा है, 2-3 सेकंड में ही रेंडर हो गया। ओके मेरा भी आज बहुत फास्ट हो रहा है ऐसा लग रहा है बिकॉज़ ये मैच में थोड़े बंदे कम है ना। और जो है यहाँ पर 6 नंबर टीम के सामने जो PMS का टीम था हमारा 7S 3 बंदे के साथ खेल रहा है, क्या ये लोग फाइट ले गए यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेंगे। यहाँ पर जो है उनके दो बंदे लो, तीन के तीनों बंदे जो है थोड़े लो हैं आई गेस हाफ हेल्थ, और उनको जो है इस बार पंगे नहीं लेना चाहिए, उनको हील कर लेना चाहिए इस सिचुएशन में, वरना जो है बहुत गंदा जो है थर्ड पार्टी जो है डैमेज पड़ सकता है और उनके ऊपर बहुत ही बड़ा जो है डिसएडवांटेज बन सकता है। और यहाँ पे वेयरहाउस की तरफ बढ़ते हैं टीम नंबर 16, बट वेयरहाउस जो है लूटेड है ऑलरेडी आई गेस फॉल बैक कर रहे हैं, उनको अलग लोकेशन देख लेना चाहिए। बट टीम नंबर 6 ने पहले से ही जो है वेयरहाउस लूट लिया है, बट क्या अभी तक टीम नंबर 6 ने स्पॉट किया है इनको कि ये जा रहे हैं वेयरहाउस में? भाई एक बार सिनेमैटिक व्यू दिखा दो लिपोफ्का में। ओके यहाँ पे थोड़ा ऊपर से दिखा दो गाइस, जो अभी मेरा सिस्टम है उसमें मैं HD में यूज़ कर रहा हूँ, तो भाई 40 से 45 तक FPS आ रही है और मेरे को मज़ा आ गया, इतना अच्छा FPS आ ही रहा है तो भाई यूज़ क्यों ना करें। और यहाँ पे टीम नंबर 16 जो है फॉल बैक कर रही है एकदम ओपन में। आई गेस दिस विल नॉट बी अ वेरी गुड डिसीजन बिकॉज जो है ओपन से फायरिंग पड़ सकती है, और यहाँ पे जो है टीम नंबर 6 भी जो है एकदम अलर्ट है उनके 4 के 4 मेंबर्स। अभी कहीं और जाके देखते क्या फाइट चालू है, कोई फाइट नहीं चालू है, सब लोग डिस्ट्रीब्यूटेड है एकदम अच्छी तरह से। तो मतलब गाइस सबको समझ में आ गया कि इस सिचुएशन में जो है फाइट नहीं लेना चाहिए, एकदम आराम से खेलना चाहिए। बट टीम 16 के इधर बहुत अलग ही सिचुएशन है, बट क्या हमें फाइट देखने को मिलता है यहाँ पे? वेब को दिखाओ भाई, एक रिक्वेस्ट है वेब को दिखाओ करके। ओके गाइस लेट्स गो टू वेब। वेब जो है वो नंबर 3 है और यहाँ पे शूटिंग रेंज में लूट रही है। शूटिंग रेंज में जो है आई गेस AR अच्छी तरह से मिल जाता है, शूटिंग रेंज में AR के एमो बहुत मिलता है शूटिंग रेंज में। गाइस एक टिप्स एंड ट्रिक है कि अगर आप जाओगे शूटिंग रेंज में तो AR के एमोस भर के मिलेंगे और अटैचमेंट्स भी बहुत सारा मिल जाता है शूटिंग रेंज में। तो अगर आपको सेफ खेलना है और आपको एमो भी चाहिए टाइम टू टाइम तो आप जा सकते हैं शूटिंग रेंज, एमोस भी अच्छी मिल जाती है और अटैचमेंट्स भी।
और यहाँ पे रैली भाई कुछ ज्यादा बोल नहीं रहे, और टीम नंबर 17 जो है टीम नंबर 18 के पास आती हुई यहाँ पे नजर आती है हमें यासनाया में। बट और यहाँ पे आरबीएक्स ग्रुट का जो है फाइट चालू हो चुका है, यहाँ पे क्लिप ऑफ का हमें चलते है भाई। यहाँ पे जो है आरबीएक्स ग्रुट ने जो है आई गेस एक बंदे को नॉक किया, क्लैशर सुमित को यहाँ पे नॉक कर दिया है। क्लैशर सुमित जो है यहाँ पे अकेला पड़ गए करके बाहर है, और उनको जो है वो साइड से पड़ रही है। भाई आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे इस मैच में? बिल्कुल अभी बोलेंगे, अभी जेस्टर भाई आप लोगों से थोड़ा बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी देर बाद एकदम शुरू हो जाऊंगा। यस, और जेस्टर भाई को बोलने नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, साथ में बोलेंगे। यस यस गाइस, गाइस मतलब पबजी ने ना, पबजी ने खुद भी नहीं सोचा रहेगा कि इतने सारे हाइडिंग स्पॉट्स रहेंगे पबजी में, है ना। मतलब देखो ना बंदा कहाँ कहाँ पे छुप जाता है, यहाँ पे टीम नंबर 16 के बंदे को देख सकते हैं। आरबीएक्स ग्रुप कहाँ पे छुपा है भाई, मतलब पबजी बेचारा सोचता रहेगा हमने गेम बनाया और हमें नहीं मालूम बंदे कहाँ कहाँ पे छुपे हैं। यहाँ पे जो फायरिंग चालू हो चुका है, और जो है यस गाइस टीम नंबर 16 के बंदे जिनके पास एक यहाँ पे ईवी गॉड है बाजू में, आई गेस ईवी गॉड ने अभी तक स्पॉट आउट नहीं किया टीम नंबर 6 के वाले प्लेयर का, आई गेस स्पॉट आउट कर लिया। और जो है इस टूर्नामेंट में जो भी पार्ट ले रहे हैं उनके पास पबजी में बहुत ही अच्छा संपत्ति है, मतलब बोल सकते हैं बिलोंगिंग्स, मतलब उनके पास बहुत ही ओपी वाला। और ऊपर से जो है ड्रॉप जा रहा है, और लेट्स सी ये ड्रॉप कहाँ पे गिर रहा है, जो ड्रॉप गिर रहा है वो प्रिजन पे गिर रहा है, और ड्रॉप के अंदर क्या है गाइस, ड्रॉप के अंदर है द गॉड स्नाइपर AWM। और यहाँ पे टीम 16 पे वापस आते हुए यहाँ पे जो है घमासान युद्ध चालू है, सब लोग होल्ड फाइट लेना चाह रहे हैं, जो भी कोई भी रश नहीं करना चाहता, बिकॉज जो 70s टीम है वो है हमारी PMIS की टीम, और मैन एडवांटेज और एकदम खतरनाक AKM का स्प्रे गया है क्लैशर सुमित। और यहाँ पे ईवी गॉड को भी जो है नॉकआउट कर दिया, आई गेस ईवी गॉड को जो है फिनिश कर देना चाहिए सिचुएशन में। यहाँ पे टीम नंबर 3 के भी टीम नंबर 6 ने जो है एक प्लेयर को खो दिया, और टीम नंबर 16 का ये सिचुएशन है कि एक बंदे का हेल्थ कुछ ज्यादा ही लो है, क्या उनको रिवाइव मिलेगा सिचुएशन में? यहाँ पे देख सकते हैं ईवी गॉड बहुत ही लो हो गए, और यहाँ पे रिवाइव भी मिल रहा है उन्हें, यस रिवाइव मिल चुका है यहाँ पे, और हंटर राहुल ने जो यहाँ पे रश कर दिया है, और यहाँ पे दूसरे बंदे को भी नॉक करते हुए क्या आरबीएक्स ग्रुट यहाँ पे क्लच दिखा पाए, और आरबीएक्स ग्रुट ने एक बंदे को फिनिश नहीं किया है अभी तक, कर रहेगा। और आरबीएक्स ग्रुट का जो है हेल्थ बहुत कम हो चुका है, और आई गेस आरबीएक्स ग्रुट के साथ एक साथ रश हो जाना चाहिए, और आरबीएक्स ग्रुट जो यहाँ पे देख सकते हैं फॉल बैक कर रहे हैं, एकदम पीछे भाग रहे हैं। और जो आरबीएक्स का ग्रुट का जो हेल्थ है ना वो एकदम वन हो चुका है, और आरबीएक्स ग्रुट जो है यहाँ पे बैंडेजेस लगा रहे हैं, और यहाँ पे जो है उन पर रश हो चुका है, आई गेस एक साथ रश कर देना चाहिए। और ये जो है हील कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आरबीएक्स ग्रुट आई गेस उनको फटफट अभी ले लेना चाहिए। यस जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो है क्लैश के दो बंदे जो यहाँ पे टीपीपी ले रहे हैं, बट आरबीएक्स ग्रुट जो है ना वो भी टीपीपी ले रहा है, आई गेस नेडिंग चालू कर देना चाहिए। यस गाइस नेडिंग का जो प्रोसेस है वो इस सिचुएशन में चालू कर देना चाहिए टीम 6 के द्वारा, बिकॉज यही सिचुएशन में ये की चीज काम आती है। और टीम किल जो है 4 हो चुका है टीम नंबर 6 का, और इनका जो टीम किल है वो 2 हो चुका है। क्या अभी तीसरा किल ले पाएंगे, क्या आरबीएक्स ग्रुट को यहाँ पे मार पाएंगे? आई गेस उनको नेड कर देना चाहिए या फिर मॉली कर देना चाहिए, दिस विल बी द बेटर, दिस विल बी द बेस्ट एक्चुअली, क्या बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड ड्यूरिंग दिस सिचुएशन गाइस। और यहाँ पे मेरी बात सुन लिया है, यहाँ पर जो है छोटी सी होल के अंदर से नेड करेंगे आई गेस, और यहाँ पे नेड भी हो चुका है, और यहाँ पे आरबीएक्स ग्रुट जो है वापस नीचे और वापस ऊपर आ चुके हैं, और जो है नेड का कुछ फायदा तो हुआ नहीं सिचुएशन में, बिकॉज आरबीएक्स ग्रुट ने भी जो है और एक बार नेड की फिंक खींच चुकी है यहाँ पे, अभी जो है यहाँ पर आ चुके हैं आरबीएक्स ग्रुट, और एकदम उनके मुंह पे फटे, और आरबीएक्स का जो पूरा का पूरा टीम है वो है वाइप हो चुका है इस बार, यानी 70s इज वाइप्ड इन दिस सिचुएशन। अभी हम चलते हैं दूसरे एयर ड्रॉप पे जो आ रहा है टीम नंबर 5 के बाजू में, और उसमें जो पड़ा है वो पड़ा है M249, और टीम नंबर 5 के प्लेयर ने अभी जस्ट उसको देख लिया है। यस टीम नंबर 5 के प्लेयर देख लिया, और उसी के आगे जो है टीम नंबर 1 भी है। यस टीम नंबर 1 और टीम नंबर 5 के पास क्या हमें युद्ध देखने मिलेगा यहाँ पे, बिकॉज टीम नंबर 1 भी जो है पूरी की पूरी लोडेड है, जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि भाई कुछ याद आ रहा है इस डायलॉग में से? ओके गाइस बोल रहा है कि टीम नंबर 12 को दिखाओ गाइस, अभी दिखा देंगे टीम नंबर 12 को। टीम नंबर 12 जो है वो है, टीम नंबर 12 जो है रोजॉक में है,
जैसे कि हम देख सकते हैं टीएसजी का टीम है इस सिचुएशन में, बट यहाँ पे देख सकते हैं टीम नंबर वन जो है टीम नंबर 15 के बाद से ही गुजरी है और आई गेस पूरी की पूरी टीम जो है यासनाया शिफ्ट होने वाली है। आई गेस आपने टीम नंबर 6 का फाइट दिखाया रहेगा लिपोफ का में। मैं दिखा रहा था। नाइस नाइस। और यहाँ पे टीम नंबर 15 जो है टीम नंबर 1 के पास आ जाओ भाई, यहाँ पे क्लोज इन कर रही है टीम नंबर 15। Okay, क्या यहाँ पे फाइट देखने मिलेगा और टीम नंबर 15 के ऊपर फायर जाता हुआ TRF वर्सेस नाइट गाइस, देखते हैं यहाँ पर फाइट होता है कि नहीं। ये TRF ऑफिशियल्स के बीच का फाइट है तो TRF ऑफिशियल्स भी बहुत ही खतरनाक टीम है और बम्बल बी को मैंने बताया था कि एक चैलेंज एक्सेप्ट करो कि आप दोनों एक साथ फाइट करोगे, बट बम्बल बी जो यहाँ पर है फॉल बैक कर रही है, टीम नंबर 1 से पंगा नहीं ले रही है बम्बल बी का जो टीम है। सो लेट्स सी। टीम नंबर 5 जो है लिपोवका के बाजू से ही गई है पर लिपोवका में नो रिएक्शन इन दिस सिचुएशन। यहाँ पे टीम नंबर 2 भी जो है जोन के अंदर क्लोज इन कर रही है और टीम नंबर 7 की आई गेस एक सेकंड रुको, टीम नंबर 7 के जो है पूरा का पूरा स्क्वाड है बट जो है एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड और एक बंदे जो है उनके जोन के अंदर ही अटक गए हैं। यस गाड़ी से आ रहे हैं वो भी, नो टेंशन। अभी जो है टीम नंबर 1 को ही देखते हैं बिकॉज टीम नंबर 1 के पास जो है बहुत सारी स्क्वाड आती जा रही है आती जा रही है आती जा रही है तो हमें जो है सिचुएशन में फाइट देखने मिल जाएगा। यस गाइस देखते हैं टीम नंबर 5 जो है बाजू से गुजर रही है, पंगा नहीं ले रही है। टीम नंबर 2 जो है वो बाजू में आ रही है टीम नंबर 1 की बट नहीं, उन्होंने भी आई गेस उधर ही जो है स्टॉप कर लिए। नहीं आ रही है टीम नंबर 2 के पास और टीम नंबर 1 के पास यहाँ पे फायरिंग चालू हो चुका है और यहाँ पे जो है चालू हो चुके हैं, यहाँ पे बहुत ही गंदा स्प्रे जो है चालू कर दिया बट एक भी जो है कनेक्ट नहीं हुआ है और टीम नंबर 2 का देख सकते हैं स्ट्रैटेजी जो है पूरी के पूरी घेर रही है, घेर रहे हैं टीम नंबर 1 को कि हर जगह से ताकि फायरिंग दे सके बट नेस के जो है रॉय यहाँ पे पैंडा को देख सकते जो वापस से भाग रहे हैं। क्या हमें यहाँ पे फाइट देखने मिलेगा टीम नंबर 2 वर्सेस टीम नंबर 1? बट नहीं गाइस टीम नंबर 7 के पास चलते भाई, टीम नंबर 7 को भी दिखा देते एक बार। यहाँ पे जो है वो लोग लूट रहे हैं आराम से टीम नंबर 7। प्लीज शो टीम नंबर 4, लेट्स गो टू टीम नंबर 4 गाइस। टीम नंबर 4 के बाजू में जो है टीम नंबर पिक्सल्स, उनके पास जो एक ड्रॉप आ रही है, ड्रॉप में पड़ी है ऑम विद सप्रेसर ऑफ एआर जिसे हम देख सकते हैं टीम नंबर 4 के सामने। टीम नंबर 14 भी जो यहाँ पे फायरिंग कनेक्ट कर रही है टीम नंबर 4 के ऊपर आई गेस। यस जो है अपना डॉक्टर डार्क का स्क्वाड वो जो है फायर कर रही थी अभी पिक्सल्स की टीम के ऊपर बट जो पिक्सल्स की टीम है वो आगे निकल चुकी है। यहाँ पे TSG का जो है फाइट चालू हो चुका है, लेट्स गो टू TSG। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे TSG का जो टीम है वो टीम नंबर 12 और टीम नंबर 12 के सामने टीम नंबर 3। सो लेट्स सी यहाँ पे जो है फायर स्टार्ट चालू हो चुका है और टीम नंबर 3 के जो एक बंदे हैं आई गेस उनको भी फिनिश कर दिया गया था इस सिचुएशन में और टीम नंबर 3 जो है पूरी की पूरी घूम चुकी है सिचुएशन में बट उनके आगे ही जो है टीम नंबर 13 भी है, उनके जो एक बंदे को थोड़े डैमेज तो हुई बट वेब का टीम जो है अभी सेफ है फिलहाल और जो एकदम घूम के जा रही है। और यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभी ज़्यादा कुछ हो तो नहीं रहा है, मैप में रिएक्शन तो बहुत ही कम हो रहा है और टीम नंबर 15 जो है टीम नंबर के 4 के पास आ चुके हैं। जरा एक बार 4 के पास चले जाइए, टीम नंबर 15 के सामने TPP का खेल जो है चालू हो चुका है और यहाँ पे TRF के साइको को जो है TRF ऑफिशियल्स उनको जो है डैमेज बढ़ चुका है। क्या हमें यहाँ पे कमबैक देख पाएंगे TRF टीम के द्वारा? और यहाँ पे टीम नंबर 4 भी जो है पिक्सल एनिमेश परियर एंड GCS डेकर और जो है कल चैट में पता चला कि डेकर जो है वो भी PMI इसमें खेलते हैं और ब्रो रोर टीम नहीं खेला क्या? नहीं रोर टीम आई गेस नहीं है, नहीं नहीं रोर टीम क्वालीफाई नहीं हुआ था। और टीम नंबर 18 यहां पे बाजू में आ चुकी है टीम नंबर 7 के और फाइट चालू हो चुकी है। यस गाइस फाइट चालू हो चुकी है, टीम नंबर 7 के पास आ जाओ भाई, टीम नंबर 18 भी चल जाएगा। गोल्ड टीम ने जो है टीम नंबर 7 पे रश कर दिया टीम नंबर 7 DS पर। क्या यहां पे हमें फाइट देखने मिलेगा? और जो है नीडिंग का प्रोसेस चालू हो चुका है, थोड़ा सिनेमैटिक व्यू देखने को। यस गाइस यहां पे बूम बम चालू हो चुका है, जो है नॉक हो चुके हैं और जो है इकलौते मेंबर यहाँ पे दो मेंबर जिंदा है, उन्होंने एक नेड किया एकदम बाइक वाला बट दरवाजे के एकदम बाहर यहाँ पे गोल्ड मासूम को जो है नॉक आउट कर दिया। भाई एक छोटी सी डाउट, क्या रैली सचिन जो है गोल्ड टीम के मेंबर है?
हेलो रैली रैली ऑन था जो ग्रुप ए में था ना अपना टीम, बट उसमें गोल्ड भी था क्या? उसमें गोल्ड भी था? हाँ गोल्ड भी था, गोल्ड मशरूम था। अच्छा आएगा फिर तो ठीक ही है, बट जो है गोल्ड ने एक प्लेयर को जो है खो दिया है, MRX सोहेल को इस सिचुएशन में। अभी हम देख सकते रैली, हैं रैली रैली ऑन सचिन जो है ना रैली ऑन इस यस जो दूसरी रैली टीम है रैली गौरव की, वो तो सेफ के लिए टीम नंबर 13 के पास है। टीम नंबर 9 आज टीम नंबर 8 आ चुकी है TSG जो अपना आएगा TSG ऑफिशियल्स। यस TSG ऑफिशियल्स पे आप देख सकते हैं जो है यासनाया के बड़े वाले बिल्डिंग्स में जो है फाइट ले रही है। यस गाइस नहीं रोर टीम नहीं खेल रही है भाई, दिखा नहीं सकते सॉरी ब्रो, रोर नहीं खेल रही है बिकॉज उनका स्कोर जो है कम था, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते सिचुएशन में। और यहाँ पे देख सकते हैं टीम नंबर 13 भी जो है थोड़ा होल्ड दिखा रही है, बंटाई का जो टीम है जिन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है आ गए इस टूर्नामेंट में फाइनल्स में, टूर्नामेंट के फाइनल्स में आ चुके हैं। नहीं बंटाई के टीम शायद ग्रुप ए में था और उसका पोजीशन 4 नंबर में था शायद। जैसे आप देख सकते टीम नंबर 15 जो है घुस रही है जोन के अंदर, उनको डैमेज भी पड़ रहा है टीम नंबर 1 के द्वारा। टीम नंबर 1 आ चुकी है, उनके पीछे जो है हमारा नाइट का टीम, नाइट की टीम जो है एकदम फुल स्पीड में घुस रही है जोन के अंदर और मारने की कोशिश भी आप। ओके वनटाई का फिर से फाइट शुरू हो चुका है, हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे TSG का टीम को। यस यहाँ पे बंटाई हैप्पी ने जो एक नॉकआउट निकाल दिया है, TSG का दो बंदा नॉक हो चुका है यहाँ पर, डेस्ट्रो और डेविल दिखता है तो यहाँ पर देखते हैं बंटाई चुका है। बंटाई जो यहाँ पर रश कर चुका है गाइस। यस गाइस बंटाई का जो टीम है उन्होंने रश कर दिया और जो टीम के ओपी गेम प्ले डेविल का यहाँ पर, लेकिन डेविल को भी नॉक कर दिया गया यहाँ पर। डेविल को भी फिनिश कर दिया यहाँ पे जो पापी अकेले बाकी है, पापी ने जो एक बंदे को फिनिश कर दिया है आई गेस, नहीं पापी ने जो एक बंदे को नॉक किया और बंटाई टीम को पूरा का पूरा वाइप कर दिया है। यहाँ पे देख सकते TSG टीम ने एकदम खतरनाक TSG ओपन द चैट गाइस, बहुत ही सही गेम प्ले दिखा है, दो बंदा भले खो चुका है लेकिन गेम प्ले बहुत सही था ब्रदर। और अभी टीम नंबर 15 के साथ भी जो है लड़ाई चालू हो चुका है। ओके TRF का फाइट हो चुका है, एक बार TRF को देख लेंगे, अब नया सेटल हुआ तो फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 15 है ओके, यस TRF का फाइट जो है अभी वापस चालू हो चुका है बिकॉज पीछे से दूसरी स्क्वाड जो है थर्ड पार्टी कर रही है उन पर, और NS के जो स्काउट है वो यहाँ पे देख सकते हैं, NS के स्काउट ओपी, नेस का एल्विश और नेस का रॉय। क्या ये टीम जो अभी फॉल बैक करने की मोड में है बिकॉज अभी पंगे नहीं लेना। यहाँ पे जो एक ड्रॉप आ चुकी है यासनाया के सामने और उस ड्रॉप के अंदर पड़ी है DBS, यानी कुछ काम का नहीं। और टीम नंबर 8 जो है टीम नंबर 10 के ठीक पीछे है, तो क्या हमें कुछ यहाँ पे क्लच देखने मिलता है टीम 18 के द्वारा बिकॉज टीम 10 भी जो है सामने। और यहाँ पे रैली सचिन ने रैली इमोन को मार दिया है, यहाँ पे टीम नंबर 10 वर्सेस टीम नंबर 18 जो है अपना रैली 1 वर्सेस रैली ऑफिशियल। यस यहाँ पे जो है इमोन को जो है यहाँ पे नॉकआउट कर दिया है, क्या यहाँ पे कुछ और हो सकता है? यहाँ पे जो है टीम नंबर 18 ने स्मोक वॉल बनाना चालू कर दिया और सीधा सीधा रश कर रहे हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे टीम नंबर 10 के ऊपर जो है एक भारी मामला जो है मंडरा रहा है और पीछे से जो है टीम नंबर 18 ने जो है फॉल बैक कर रही या फिर सीधा रश कर रही है नहीं को नहीं मालूम, बट जो है एकदम खतरनाक जो है सीन दिखा रही है। यहाँ पे रैली नासिम को देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक होल्ड दिखा रही है, यहाँ पे जो गाड़ी है वो भी जा रही है और जो गाड़ी है वो एकदम दूर जा चुकी है। यहाँ पे नेस काउट ने जो TRF के एक बंदे को मार दिया और नेस काउट ने दूसरे बंदे को भी ओपी गाइस, एक बार TRF के एक टीम इसके पास चलते नेस, यहाँ पे जो TRF के टीम को जो पूरा का पूरा एलिमिनेट कर दिया एक बार। आई गेस ये टीम का नाम क्या है भाई, नेस टीम का ओपी कर दो गाइस चैट में, नेस टीम ओपी इन द चैट। और टीम नंबर 11 जो है वो अपना I guess XXX का टीम है जो इस बार ज्यादा गेम प्ले। रैली सचिन ने यहाँ पर एक और नॉक निकाल दिया है, रैली 1 ओपी इन द चैट गाइस, रैली 1 जो है बहुत ही खतरनाक गेम प्ले दिखा रहे हैं इस गेम में। और मैग्नम को दिखा होगा गाइस, एक रिक्वेस्ट है मैग्नम को दिखाने का गाइस, अभी दिखा देते हैं मैग्नम। TSG का दो टीम है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है कौन, मतलब एक मैग्नम को दिखा देते गाइस चलो।
मैग्नम जो है हमारा जो प्लेयर है ग्रुप ए का, मतलब बहुत ही खतरनाक तोड़फोड़ गेम प्ले दिखाया था। तो गाइज अभी देखते हैं फाइनल में देख सकते हैं क्या अपना जो ग्रुप स्टेज में जो गेम दिखाया था अभी फाइनल में आके ऐसा गेम प्ले दिखा पाएगा। देख बट लेते हैं इस गाइज सारे के सिचुएशन सारे में हम देख बेस्ट पा टीम रहे है यहाँ पर। रैली वन के जो रैली सचिन है वो बहुत ही खतरनाक गेम प्ले दिखा रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं और जो बहुत वंडर का सारे टीम था ट्रिपल वंडर का किल। टीम को पूरा एलिमिनेट कर दिया यहाँ पर, जैसे कि देख पा रहे हो सचिन के पास 3 किल, गोल्ड मशरूम के पास 2 किल और गोल्ड जहीर के पास 1 किल, तो टोटल यानी टोटल 8 किल हो चुका है। 8 किल, इन तीनों का दो तीनों का तो 6 ही हो रहा है। वो एक बंदा एलिमिनेट हो गया, सोहेल के पास 2 किल रहेगा शायद। और यहाँ पे टीम 14 जो टीम 10 के साथ पंगे ले रही हैं। ओके गाइस जी रैली आ रैली चुका हूँ, ऑफिशियल्स के पास आ जाओ। आ अबे गया टीम मैं। 14 के दो ही बंदे जिंदा हैं, जो है अपना रे डॉक्टर डार्क और 420 ओपी। बट क्या है यहाँ पे उन्होंने बग्गी पे जो है बैठ गए हैं, बग्गी पे बैठ चुके और उनके ऊपर फायरिंग हो रहा है। बट यहाँ पर आई गेस फॉल बैक कर देंगे इजिली। पूरा का पूरा रश हो चुका है उनके ऊपर और डॉक्टर डार्क ने जो यहाँ पे टीपी लेना चालू किया। डॉक्टर डार्क के द्वारा डॉक्टर डॉक्टर स्क्वाड वाइप कर दिया। रैली ओपन द चैट गाइस, अभी पीछे टीम नंबर 17 को देख सकते जो है एक बुक सुपर टीम। क्या यहाँ पे एक आई गेस ये एनिमेक्स एनिमेक्स टीम है ना गाइस? एनिमेक्स यस, यहाँ पे एनिमेक्स का टीम जो है टीपीपी ले रहा है टीम 20 के ऊपर। बट यहाँ पे एक और हेड ड्रॉप आ रहा है जो है टीम पिक्सल्स के बाजू में, टीम 712 के बाजू में, और इसके अंदर आ रहा है MK14 द गॉड गन। तो देख सकते टीम नंबर 5 को जो है टीम नंबर 18 के बहुत ही करीब आ चुकी है और यहाँ पे फायरिंग भी ओके चालू गोल्ड हो चुका है। गोल्ड जहीर ओके, फिर से हमारा रैली का फाइट हो चुका है शायद। रैली ऑन का 1 मिनट देख लेंगे गाइस। रैली वन जो एकदम खतरनाक गेम प्ले दिखा रही है बिकॉज़ उनको मालूम है ये सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी कर रही है टीम नंबर 12 जो है अंदर जो है क्लोज इन कर रही है टीम नंबर 18 के ऊपर। टीम नंबर 12 जो इसका बुरा फायदा उठा रही है के बाजू बाजू में तो है, मतलब रैली टीम के ऊपर, रैली वन के टीम के जो जो है पीछे से फायरिंग आता है। उनको समझ आएगा पीछे भी बंदे यहाँ पर आ चुके हैं। रैली सचिन जो है अकेले फायरिंग दे रहे हैं, क्या रैली सचिन इस बार टीम का जो है ये कर पाएंगे? और यहाँ पर गोल्ड जाहिर भी जो है जिंदा है और जो गोल्ड मासूम ने भी जो है अपना गोल्ड मासूम जो है रिवाइव नहीं हो पाएंगे आई गेस सिचुएशन में। इस गोल्ड मासूम जो है अभी एलिमिनेट हो चुके हैं। पीछे से टीम 11 भी जो है क्लोज इन करी, यानी रैली टीम के ऊपर थर्ड पार्टी हो चुका है। रैली के से दो बंदे जिंदा है, यानी एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज हो गया यहाँ पर। मैग्नम को देख सकते हैं घुस रहे सीधा अंदर, रैली वन को देख सकते हैं, रैली ऑफिशियल को देख सकते हैं आपसे भाग रही है बिकॉज उनको इस सिचुएशन में फाइट नहीं लेना। और रैली ऑफिशियल के ऊपर फायरिंग देख सकते हैं, कनेक्ट तो हुआ TSG वैम्पायर का शॉट बट जो है एस्केप कर चुकी है। और टीम नंबर 18 को देख सकते हैं कहीं और ही फायरिंग कर रही है बट उनको इधर का फाइट भी जो है मैनेज करना पड़ेगा। और जो टीम नंबर 6 के इकलौते बंदे बाकी, अब थोड़ा तो सिनेमैटिक व्यू दे दो भाई। वैसा ही कर रहा हूँ मैं। टीम नंबर 6 के एक बंदे बाकी हैं यहाँ पे बट क्या वो फायदा नहीं उठा रहे हैं। और यहाँ पे टीम नंबर 5 का भी जो देख सकते हैं बट जोन के अंदर जो है अभी सिर्फ थोड़े ही टीम घुस पाए। टीम जोन के अंदर जो है तीन टीम्स यहाँ पे आ चुके हैं, बाकी सब जो है जोन के बाहर जो है फाइट ले रही है। यहाँ पे रैली ऑफिशियल्स ने जो है बहुत अच्छा होल्ड दिखाया है बट पीछे से हु 777 जो है बहुत बुरा फायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पे रैली ऑफिशियल्स के पास चलते हैं, उनके जो सारे के सारे प्लेयर जिंदा हैं और बाजू में से जो जा रही है टीम नंबर 3 जा रही है बट फाइट नहीं लिया उन्होंने। टीम नंबर 12 के साथ जो उनका फाइट जाहिर है और यहाँ पे बहुत ही गंदा थर्ड पार्टी चालू है। और यहाँ रैली के दो बंदे यहाँ पे जो नॉक हो चुके हैं, गाड़ी लेकर निकल रहा है बट गाड़ी का भी जीरो हेल्थ हो चुका है। क्या गाड़ी ब्लू गाड़ी को सेफली लेते हुए यहाँ पे नजर आते हैं हमारे रैली नसीम, एकदम जो है वाइज डिसीजन है उनको आई गेस। अभी गाड़ी जो है चेंज कर लेनी चाहिए, यस यहाँ पे बग्गी ले लेना चाहिए बिकॉज ये गाड़ी स्मोक करना चालू हो चुका है। आगे से उनको जोन में जाने का जो है टाइम हो चुका है। यहाँ पे टीम नंबर 11 जो है फायर कर रही है, टीम नंबर आई गेस टीम नंबर 11 जो है ट्रिपल एक्स टीम है। या गाइस और यहाँ पे टीम नंबर 3 जो है बहुत सारे बंदे नॉक है, दो बंदे नॉक है यहाँ पे वेब के बट आई गेस उनको रिवाइव मिल जाएगा बिकॉज यहाँ पर जो है गाड़ी तो चल चुकी है पूरी की पूरी। और टीम एल जो है यहाँ पे टीम ट्रिपल एक्स जो है यहाँ पे, तो अभी किसको बताओ गाइस
टीम नंबर 12 जो है फाइट ले रही है भाई यार, इतना सारा टीम और इतने छोटे जोन में गाइस। जैसे आप देख सकते हैं रैली नासिम से अकेला जिंदा है, रैली नासिम जो है हील कर रहे हैं, रैली नासिम द्वारा एकदम 100 IQ कैंपिंग देख सकते हैं। और टीम नंबर 3 भी जो है रश कर रही है, आई डोंट नो व्हाई बट टीम नंबर 3 को जो जोन के अंदर चले जाना चाहिए। यहाँ पे रैली टीम ओपी कर दो गाइस बिकॉज उनका जो है बहुत ही, और यहाँ पे नया जेलविश ने जो है वेब सारी को नॉक कर दिया। यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी का खेल चालू है गाइस, हम क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं। मैं कमेंट्री में मेरे को बहुत मुश्किल पड़ रही है बिकॉज हर एक टीम जो है फायरिंग ले रही है हर एक टीम, और अभी जो जोन डिसएडवांटेज पड़ चुके हैं टीम नंबर 2 पे। टीम नंबर 4 भी जो क्लोज इन करेगी, टीम नंबर 12 के पास पूरा का पूरा जो है एडवांटेज है। और एंड लेट्स सी टीम नंबर 1 जो है नाइट वो कब की एलिमिनेट हो चुकी है, जो हमारी एकदम डोमिनेटिंग टीम थी वो अभी कुछ नहीं रही। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मैग्नम ओपी की टीम को जो है टीम नंबर टीम TSG जो एकदम खतरनाक गेम प्ले दिखा रही है और अपना डोमिनेंस बरकरार रख रही है। टीम नंबर TW को देख सकते हैं जो यहाँ पर है सामने आ चुके टीम नंबर 12 के, और हाईएस्ट सिचुएशन में फाइट देखने मिलेगा। और जो डीपी का स्प्रे हो चालू हो चुके, रैली नासिम जो एकदम 100 IQ वाला जो है कैंपिंग कर रहे हैं, पीछे से टीम नंबर 3 जो है गाड़ी से निकल रही है। और आई गेस उन्होंने रैली नासिम को अभी तक स्पॉट आउट किया नहीं है, रैली नासिम को जो है अभी तक स्पॉट आउट नहीं किया गया है तो उनके लिए सेफ है। यहाँ पे गोल्ड जाहिर को जो है मार गिरा दिया गया है, मतलब गोल्ड को जाहिर को नहीं मानता कि ये क्या हो गया यार, गलत सीन हो गया था उनके साथ इस सिचुएशन में। अब यहाँ पे देख सकते गोस्ट नंबर को कॉन्कर कर रहे टीम नंबर 3, और जो हमारे रैली नासिम भाई उनको कैसे भी करके जोन के अंदर आना है, गैस उनको फ्लैंक करके जोन में चले जाना चाहिए। और यहाँ पे टीम नंबर 12 भी जो है क्लोजिंग कर रही है जोन के अंदर, और उनको टीम नंबर आई गेस 12 के द्वारा यहाँ पे फाइट देखने को नंबर 10, और यहाँ पे वेब राहुल ने एक बंदे को नॉकआउट कर दिया। यहाँ पे टीम नंबर 12 जो सारे के सारे बंदे जिंदा हैं विदाउट टेकिंग एनी डैमेज, जो बाजू में रैली नासिम को देख सकते हैं एकदम, मतलब भाई 100 IQ बोलते हैं इससे। और भाई अब वेब राहुल को भी मार गिरा दिया गया, MK14 का जो है ओपी स्प्रे चालू हो चुका है। TW को जो है आई गेस एक बार देख लेते टीम TW का, और जो है दो बंदे जो है आई गेस फिनिश हो चुके हैं, और तीन बंदे जो है यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, यहाँ पे बस एक ही बंदे बाकी है जो है रिकी भाई, और पीछे से जो है टीम नंबर 2 भी जो है यहाँ पे फाइट देखने मिलता है। और यहाँ पे गलत पोजीशन में आ चुके हैं नेज एलविज, उनके ऊपर नेड फटेगा बट नहीं सेफ है। और यहाँ पे जो है टीम नंबर 12 जो एकदम डोमिनेंस दिखा रही है, टीम नंबर आई गेस 10 के बंदे जो थे हमारे रैली नासिम वो कब के जो है एलिमिनेट हो चुके हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारी चार चार टीम जो है, और यहाँ पे जो है DS किलर ने जो एक बंदे को नॉकआउट कर दिया, उनको फिनिश भी कर दिया जाएगा आई गेस, नहीं फिनिश नहीं किया, दो बंदों को नॉकआउट कर दिया आई गेस, तीसरे बंदे को भी नॉकआउट किया नेज एलविस जो है अकेले बाकी, क्या यहाँ पे कोई फोर प्लस कर पाएंगे। और यहाँ पे दो बंदे को किल जो है कंफर्म कर दिया नेज एलविस का जो है चालू हो चुका है, यहाँ पे GCS देखा ने जो है फ्री कर दिया है, और TSG टीम ने एक बार TSG ओपन इन द चैट। और यहाँ पे जो है 5v1 सिचुएशन हो चुके हैं, TW के इकलौते मेंबर जो यहाँ पे बाकी है, बट आई गेस पूरा का पूरा गेम जो है TSG के नाम हो चुका है। TSG ऑफिशियल्स ओपन इन द चैट गाइस, डेक्स्टर राज आर रैली का, अरे रैली का टीम एक दूसरे के साथ फाइट नहीं ले रहा है भाई, फाइट लिया है उसने एक बंदे को नॉक भी किया, आप देख सकते हो जैसे कि वो रैली वन की टीम है और ये रैली ऑफिशियल है। और यहाँ पे टीम नंबर जो है TSG उन्होंने एकदम खतरनाक गेम प्ले दिखाया और गेम को जो है हम अपने पॉकेट में ले लिया, और टोटल किल्स भी जैसे कि हम देख सकते हैं 8 टोटल किल्स है, यानी उनको बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिल जाएगा इसमें। और जो मैं अभी आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, डेक्स्टर राज बोल रहे हैं अरे रैली का टीम एक दूसरे से फाइट नहीं ले रहा, भाई फाइट लिया था एक बंदे को नॉक भी किया था बट फॉल बैक कर दिया उन्होंने, आई गेस इट इज नॉट टीमिंग अप यस बिकॉज डिस्कॉर्ड पे भी जो है अलग अलग ही है, और डिस्कॉर्ड पे नहीं हमारा रैली वन का टीम बस। और जो है सब्सक्राइबर गोल जो है बहुत ही करीब आ चुका है भाई का, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ भाई का जो है 1210 हो चुका है गाइस। गाइस ऐसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना, उनके यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते रहना फॉर मोर कंटेंट। या गाइस तो जो हमारा जो फाइनल का डे वन का फर्स्ट मैच हमारा रिजल्ट आ चुका है, तो अभी
नेक्स्ट मैच का रूम आईडी पासवर्ड मैं दे दूंगा आप लोगों को ग्रुप में, 15 मिनट का टाइम है, तो 9 बजे रेडी हो जाओ गाइस नेक्स्ट मैच के लिए। यस गाइस, तब तक मैं आपको एंटरटेन करते रहूंगा, आप टेंशन ना लो। म्यूजिक जस्ट ब्रो, यस म्यूजिक ऐड कर दो, हमारा रायतन को बुला लो, रायतन को चेंज करके म्यूजिक कर दिया मेरा, मैंने उनका नाम किसका रायधन जो म्यूजिक बोर्ड का रिदम, नाम रिदम, रिदम, हाँ, रिदम को मैंने चेंज कर दिया। और गाइस जो मैं अभी देख पा रहे हैं हमारा 19 लाइक हो चुका है, तो गाइस हमारा एक लाइक चाहिए लाइक गोल कंप्लीट करने के लिए, तो गाइस दबा दो लाइक वाला बटन और कर दो गाइस। भाई क्योंकि वो तो फ्री है और फ्री क्या चीज है किसको ना पसंद है सबको इस दुनिया में, है नहीं? एकदम गाइस, एकदम सही बात बोलता है जस्टर, जस्टर अपनी जुबान जो है एकदम केसरी रखता है। मतलब गाइस मैं जो टाइम पे आ जाता हूँ, सब हर टाइम जो है भाई लेट हो जाते हैं, पर आज मैं लेट नहीं था। नहीं नहीं मतलब मैं पहला आ जाता हूँ आपसे एकदम, जेस्टर ब्रो तो मतलब 7 बजे 7:30 बजे आ जाता है डेली, तो मेरा थोड़ा काम के लिए लेट हो जाता है। कोई नहीं गाइस, लाइक गोल हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो गाइस अभी हमारा नेक्स्ट लाइक गोल है 30, तो गाइस सबके सब एक साथ दबा दो लाइक वाला बटन और सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करो। और गाइस मैंने जो है नया वीडियो निकाला, शाउट आउट दे दो प्लीज एक ओमकार लैंडगेप, वेरी बिग शाउट आउट टू यू। और जो गाइस मैंने अपना नया मोन्टाज वीडियो निकाला मेरे 100 स्पेशल का, और जो उसका थंबनेल भी है वो भी बना दिया एकदम ओपी वाला, तो आप जाके देख सकते हैं, मेरा जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और कोई बोल रहा था ना, कोई बोल रहा था ना कि रैली की टीम ये कर रहा है, टीम अप कर रहा है चैट में, गाइस टीम अप कहाँ हो रहा है? और अपने अपने उन लोगों का भी कर दिया, वो लोग टीम अप क्यों करेगा, वो लोग झगड़ा करके खेल रहा है, सचिन अपना टीम का रैली का प्लेयर था, झगड़ा हो गया उन लोगों का, अलग टीम बना के खेल रहे हैं, बस नाम चेंज नहीं किया उन्होंने इसलिए रैली ऑन कर दिया। भाई मैं इसमें गाना लगाऊं क्या लाइव रूम में? हाँ लगा दो, वही तो बोल रहा हूँ, यलगार लगाओ क्या, यलगार एनसीएस का लगाऊं? यलगार लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, यलगार का कॉपीराइट फ्री कर दिया। एक बार कैरी विनर ट्यूब इन द चैट गाइस, बिकॉज़ उनके वजह से हमको, उनका वॉल्यूम थोड़ा कम कर दो, मतलब हां कर रहा हूं मैं, कम ही करके रखा था मैं पहले से, कम ही है अभी, 49% ओपी है। नाइस, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है, मैंने करी कितनी मेहनत सारी बातों से नहीं ले रहे हो ब्रो। भाई हाइब्रिड का, हाइब्रिड का टीम आई गेस नहीं है ना, नहीं ले रहे हो ब्रो मतलब वो आई गेस हाइब्रिड का टीम नहीं है ना, स्कोर कम रहेगा उनका। नहीं नहीं हाइब्रिड जेरी है, पीएक्सएल का प्लेयर है मेरा भाई है राहुल, तो क्या नहीं ले रहे सही से बोल, ले तो लिया हम लोग, आई गेस वो लोग की टीम ने रूम हो गया भाई, अभी हो गया, होएगा नेक्स्ट रूम हमारा 9 बजे, तो गाइस रेडी हो जाओ, रिजल्ट शायद आ गया मेरा। यस गाइस हो गया, आगे प्रिंसिपल पे रूम है पूरा स्कूल, सबको सुनानी है, सुनने वालों की तो रूह भी चलानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी चलानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। यलगार हो, यलगार ओपन द चैट गाइस, मैंने ही संभाली जिम्मेदारी, समंदर पीठ पीछे हमारे इन्होंने कंजर, मिलकर अपने की बंजर, लेट्स गो, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है।
भाई कस्टम का पिंग हाई आ रहा है, ऑब्वियसली हाई आएगा बिकॉज सारे के सारे जो प्लेयर्स है वो ऑफिशियल प्लेयर्स है, तो उनका पिंग और आपका पिंग का रेशियो ही जो है आपको मिलता रहेगा, तो इसमें आपकी गलती कुछ नहीं है गाइस। ऐसा होता है क्या? मुझे भी हाँ भाई, अभी जो कस्टम्स में होता क्या है कि अगर आपका पिंग जो है, अगर वो अभी देखो एक लॉजिक है कि अगर आपका पिंग का जो है ना वो कांस्टेंट नहीं रहेगा ना, मतलब समझो कि इंटरनेट एक इसमें नहीं चल रहा है ना, तो ना ऊपर नीचे हो सकता है जो रेशियो मिलेगा। अगर आपका पिंग जैसे कि लैन कनेक्शन में रहा है तो उसमें पिंग ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो इसके लिए अगर लैन कनेक्शन रहेगा तो ठीक रहता है आपको। ये गाना कैसा लगा गाइस एक बार कमेंट कर दो, इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो, एकदम ओपी गाना है ये। ओके नॉन कॉपीराइटेड, टेंशन मत लो। कोई नहीं मैं बढ़ा दी। और रैली भाई मेरे साथ आ चुके हैं। Come on guys, hit the like button and subscribe to our YouTube channel for more content. और जब मेरे चैनल को भी देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और मेरा नया वीडियो आ चुका है 100 सब्सक्राइबर स्पेशल, और जब हम थोड़ी देर में अगले रूम में आ जाएंगे, आई गेस 8 मिनट बाकी हैं 9 बजने के लिए। गाइस कमेंट कर रहा और जाना डिस्कॉर्ड सर्वर गाइस, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको स्ट्रीम अच्छा लगा और आप भाई को डोनेट करना चाहते हो तो पेटीएम का जो है राइट साइड के नीचे ही दिखता है, राइट साइड बॉटम में स्ट्रीम में ही दिखता रहेगा, आपको नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, वरना जो है लिंक में भी दिया रहेगा नंबर, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और भाई जो है हमारे इसमें काम कर रहे हैं, गाइस कमेंट करो गाइस, शाउट आउट मिल जाएगा सबको। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों को 9 के वॉचिंग आ रही है और 10 लाइक्स हो चुके हैं कंप्लीट आई गेस। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वापस। ओके 23 लाइक्स हो चुके हैं जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। कमान गाइस कमेंट करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, स्टे ट्यून्ड टू जस्टर स्पोर्ट्स एंड रैली गेमिंग YT फॉर मोर गेमिंग कंटेंट एंड डेली लाइव स्ट्रीम्स। और म्यूजिक को एंजॉय कर दीजिए गाइस। हाय ब्रो यूट्यूब गेमिंग ओपी ओपी। और अभी कौन सा गाना लगाए गाइस? मेरे मन में तो चल रहा है कि प्ले, एक सेकंड रुको गाइस, मैं सोचता हूँ कौन सा गाना लगाऊं करके। एक सेकंड दे दो बस गाइस।
कम ऑन गाइस, अभी जो अगला गाना लगाऊंगा मैं वो है NCS का। एक सेकंड रुको, मेरे को सर्च करने दो। जो है NCS, कम ऑन गाइस, कौन सा वाला? कम ऑन गाइस, कमेंट करो फटाफट और लाइक कर दो स्ट्रीम को। जैसे हम देख सकते हैं 26 लाइक्स हो चुके हैं अभी। आप हमारे साथ नहीं खेल रहे हो भाई, अभी जो है अभी हम किसी के साथ भी नहीं खेल रहे हमारे रैली में। अभी जो टूर्नामेंट पे जो है हमारा फोकस है मेन। Come on guys, hit the like button and subscribe. 6 की वॉचिंग आ चुकी है हमारे इधर, और हमारे भाई के स्ट्रीम को देख सकते हैं, कोई भी ज्यादा कमेंट नहीं कर रहा है। कम ऑन गाइस, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। हमारे आई गेस संजिल भाई अभी तक जो है ज्वाइन नहीं किए हैं, और हमारे भाई जो अभी बिजी हैं फिलहाल ये सब करने में, पॉइंट टेबल अपडेट करने में थोड़े तो बिजी है। Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. Let them boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And forget it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you a thing that happens in it. Damn, man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. ओके गाइस, पॉइंट अपडेट हो चुका है, लेकिन अभी अपडेट नहीं कर रहा हूँ। मैच 3 मैच फिनिश होगा, उसके बाद अपडेट करूंगा। और अभी के लिए चलो, हमारा टाइम हो चुका है नेक्स्ट मैच का। सारे टीमों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, और उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट मैच में भी अच्छा गेम प्ले देखने को मिलेगा हम लोगों को। बूम बम एकदम। एक बार और चैट देख लूंगा मैं गाइस। ओके, 27 लाइक हो चुका है, तो गाइस हमारा 3 लाइक चाहिए बस लाइक गोल कंप्लीट करने के लिए। तो गाइस दबा दो वो लाइक वाला बटन, yes, और हमारा लाइक गोल जो है कंप्लीट कर दो गाइस। लेट्स गो गाइस, दबा दो। और हमारा सब गोल भी बहुत करीब है गाइस, दबा दो। क्या कर रहे हो? अगर नीचे लाल वाला बटन दिख रहा है तो उसको दबा दो यार, दबा देनी चाहिए लाल। यस गाइस, रेड कलर को थोड़ा अलग कर दो, ब्लैक हो जाएगा, देख लो एक बार। और गाइस लाइक बटन को ब्लू कर दो एकदम गाइस। आपके नाम जेस्टर एक्सपोर्ट नहीं ई-स्पोर्ट, ओके एक्सपोर्ट है यूट्यूब गेमिंग, यूट्यूब नहीं, चैट में बोल रहे हैं जेस्टर ई-स्पोर्ट गाइस। एक्सपोर्ट ही कर दिया भाई, एक्सपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट में वीडियोस को करता हूं। अब हमारे साथ नहीं खेल रहे हो ब्रदर, खेलेंगे ब्रदर, कल आ जाना, कल हम लोग खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस ब्रो, खेलेंगे हम बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नम ओपी गेम बूम बम क्लासिक, या गाइस बूम बम क्लासिक। यस, बूम बम क्लासिक है, बहुत इंप्रेसिव गेम। टाइम हो चुका है हमारा, नसीम का अभी तक मैसेज नहीं आया, क्या सीन है? आई गेस नसीम भाई जो है रूम के अंदर गए नहीं है लगता है, एक मिनट को चेक करें। रूम के अंदर आई गेस हमको इनवाइट भेज करेंगे, हमको बाहर चले जाना चाहिए। ओके, बाहर आ चुका हूँ नासिम भाई, एक बार इनवाइट कर दो। भाई मुझे पहचाना गेमिंग लेजेंड रैली भाई।
आपके लिए मैसेज आया है भाई, मुझे पहचाना क्या? एक मिनट में देख लेता हूँ, रुको। गेमिंग लेजेंड ओमकार, ओके गाइज रूम आईडी पासवर्ड आ चुका है, तो गाइज अभी ग्रुप में अपडेट दे दूंगा और आप लोग फटाक से एकदम आ जाना भाई। ऐसा मतलब अपने आप का ये मत करो, हम शाउट आउट दे देंगे, अपने आप का प्रमोशन ना करो तो ही ठीक है। मैं भी आपको टाइम आउट में डाल रहा हूँ बिकॉज आपने जो है ये कर दिया है, टाइम आउट नहीं दे रहा, बस मैसेज को जो है डिलीट कर रहा हूँ। नासिम भाई हमें जो है इन्वाइट कर दो। हाँ कर रहा हूँ। Nice. Yeah, guys, ग्रुप में दे दिया है, जल्दी से आ जाओ सब लोग। 9:01 में दिया तो 9:11 में स्टार्ट होगा। चलो और जो है मैं आ चुका हूँ अंदर, अभी जो तीन बुला ले नासिम, बुला ले बुला ले। गौरव शायद नहीं खेल पाएगा, मैसेज किया मेरे को। क्यों, क्या सीन है? शायद कुछ उसका प्रॉब्लम हो गया ऐसा बोला। नॉक भाई आ जाएगा 9:00, 9:00 नॉक भाई, नॉक भाई शायद आ जाएगा, मैसेज कर दिया। नॉक भाई आ गया तो भाई मजा आ जाएगा गेम प्ले में। ओके लेट्स गो गाइस, डे ऑन का हमारा जो फाइनल का डेट ऑन का मैच टू शुरू हो चुका है। अभी रूम में सब आ चुके हैं, अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। मैं स्पेक्टेटर में आ जाता हूँ, नहीं तो बोलेगा ये कहाँ से आ गया गेम भाई, रैली खेलने लग गया तो भाई हेल लगे कुछ नहीं लगेगा, मैं तो नूब हूँ भाई। शाहिद खान ने बोले DBA दिया है, DBA दिया मतलब, DBA मतलब वही तो DBA क्या होता है? मैं भी पूछ रहा हूँ, टूबी DBA का मतलब क्या है भाई, फुल फॉर्म बताओ। ऐसे ऐसे मत फेंको हमारे ऊपर। अरे नवाज भाई क्या बोल रहा था पता है? क्या बोल रहा था? बोल रहा था ड्रॉप का मतलब सामान मतलब अलाउ नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं अलाउ है वो, ऐसा थोड़ी होता है, फ्लेयर अलाउ नहीं करता है। PMPL में फ्लेयर नहीं चलाने देते, लेकिन ड्रॉप चलाने देते। बट क्यों, क्या हो गया? एक सजेशन दिया था टूर्नामेंट, बोल रहा था, कोई टूर्नामेंट में तो यार का सामान तो अलाउ नहीं करते, लेकिन नहीं भाई ने अलाउ कर दिया। नहीं नहीं ड्रॉप का सामान तो PMPL भी चलाते हैं, बस यार फ्लेयर नहीं चलाने देते, उसमें फ्लेयर चलाना अलाउड नहीं है PMPL में। बाद में सार्वजनिक ड्रॉप तो आता ही है ना। हाँ वो ड्रॉप कोई भी लूट सकते हैं, फ्लेयर भी, फ्लेयर को ये कर देते। यस, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ और जैसे कि भाई देख पा रहे हैं 16 पीपल आ चुके हैं। और अब जो मैं थोड़ा अलग म्यूजिक लगा देता हूँ, कौन सा म्यूजिक लगाऊं? और जो उसका घर पे कोई मर गया है तो इसलिए वो नहीं आ पा रहे, हमारे प्लेयर का, हर प्लेयर का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते ही जाए। मर गया नहीं, ओ भाई क्या साउंड है, ओपी। गाइस म्यूजिक का कलेक्शन मेरे पास बहुत है। और गाइस हमारा 30 लाइक हो चुका था, गाइस हमारा नेक्स्ट लाइक गोल थोड़ा अलग रखते हैं, 41 गाइस। चलो गाइस भाई ट्रैप नेशन का जो है कॉपीराइट लगता है क्या? मालूम नहीं, अगर कंफर्म नहीं हो तो मत चलो क्योंकि टूर्नामेंट मैंने चला, तो NCS का है, खतरनाक मैच है NCS का, ठीक है ये NCS का ही है। बिकॉज़ जब मैंने ट्रैप नेशन का यूज किया मेरे को तो कुछ नहीं लगा था, क्लेम भी नहीं आया था। ओके सो आई गेस वो तो रीमिक्स बना था, तो रीमिक्स पे क्लेम नहीं लगता। मालूम नहीं मेरे को, ये गाना सुना रहेगा आपने 31 तो आ चुका है, तो गाइस सबके सब जल्दी से आ जाओ, अभी टाइम बहुत कम है, 9:04 हो चुका है, 11 में स्टार्ट हो जाएगा। अरे भाई वो जेस्टर एक्सपोर्ट नहीं, वो जेस्टर एक्सपोर्ट है यार। जेस्टर एक्सपोर्ट का 100 सब्सक्राइबर है
अभी बस कंप्लीट हुआ भाई का, अभी 200 भी करना है, तो गाइस सपोर्ट करो सब लोग जाके। और भाई ने नया फ्रेश मोंटस देखना, उसमें चेक कर, मैंने मैसेज कर दिया, आएगा तो ये कर देगा वो। अरे रैली का टीम दो नंबर पे क्यों घुस गया? अभी आया शायद, चेंज कर लेगा वो। गौरव है तो ऑनलाइन सही, क्या सीन है उसका? रुक, मैसेज किया मेरे को शायद। प्रॉब्लम सॉल्व। ले ले गौरव को, ले ले, आ गया वो। बट वो नहीं आया क्या नॉक? नहीं, मैसेज किया अभी तक कोई, मतलब उसको 9 बजे के बाद पहले नहीं आ पाता है। टीम ब्लेज को यहाँ पे देख सकते हैं। मैं भी आऊँ भाई? नहीं, टूर्नामेंट चल रहा है अभी, ऐसे नहीं आ पाओगे। इस मैच का चिकन कौन लेके गया था भाई? हेलो, अपना टीम टीएसजी ऑफिशियल, टीएसजी ऑफिशियल मैग्नम का। टीडब्ल्यू? नहीं नहीं, टीएसजी ऑफिशियल टीम नंबर, आई गेस 8 था, टीम नंबर 8 नहीं, टीम नंबर 8 नहीं, दूसरा वाला एक टीएसजी भी है। टीडब्ल्यू भी अच्छा पॉइंट लिया इसमें, दो नंबर में है टीडब्ल्यू। आई गेस टीएसजी कैप्टन वाला टीम है, टॉप 5 में मरा था, टीम नंबर 12, टीम नंबर 12 को मिला होगा। हां, तेरे को टॉप 5 में मिला। कोई बात नहीं गाइस, स्टार्ट होने ही वाला है, बस अभी 5 मिनट रह गया लास्ट, और अभी सब लोग आते ही रहेंगे। हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कोई नया प्लेयर तो नहीं आ रहा है। भाई नेक्स्ट टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट का आप लास्ट दिन में करोगे? हाँ भाई, लास्ट दिन कर दूंगा, कल परसों कर दूंगा, रेडी हो जाओ। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, टीम एक्स 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 का प्लेयर जो है 2 आया था पिछले मैच में, अभी उसका जो सारे के सारे टीम शायद आ चुका है। जैसे कि देख पा रहा हूँ, ब्लेज राकेश आ चुका है यहाँ पर, और ब्लेज राजेश यहाँ पर आ चुका है। तो अभी हम लोगों को एक घमासान वाला बूम बम गेम प्ले देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो टीम है ग्रुप ए का लीग में बहुत ही सही गेम प्ले दिखाया था और टॉप में था एकदम। नाइट का टीम कल से कुछ खास दिखा नहीं पाया, पहले 2 दिन में बहुत ही सही गेम प्ले दिखा था, लेकिन नाइट क्या कमबैक कर पाएगा इस मैच में हम लोग देख लेंगे। और एक काम करो जस्टर ब्रो, प्लेयर को चेक करते रहो, किसी भी प्लेयर में अगर ये हुआ ना, एक बार प्रोफाइल चेक कर लेना उसका। वही कर रहा हूँ मैं, वही कर रहा हूँ, टेंशन की बात नहीं, मैं वही कर रहा हूँ, एक एक को मैं चेक कर रहा हूँ। बट बाकी सबको मैंने चेक किया, जो नया नया मतलब थोड़ा राजपूत को जो मैंने चेक नहीं किया वो सबको चेक कर लेता हूँ। काली किस टीम का प्लेयर है? एक मिनट, काली था आई गेस। नहीं नहीं नहीं, इसको मैं ढूंढ के नहीं मिला, मैं ग्रुप में इसका पोस्ट किया था, देखो अकेला है ये। नहीं, एक बार देख लेता हूँ, 14 नंबर पे कौन सा टीम है? वॉरियर ऑफिशियल। फिर ये अकेला खेला था क्या एक दिन? वॉरियर एक दिन अकेला खेल रहा था वॉरियर टीम से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार वॉरियर ऑफिशियल का टीम चेक कर लूंगा, डिस्कॉर्ड में काली का नाम है कि नहीं। भाई 29 लाइक्स हो चुके गाइस, एक बार ब्रो सब्सक्राइब कर दिया, नाइस। नेक्स्ट टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट का आप लास्ट दिन में करोगे? नहीं भाई, थोड़े दिन दो हमें, थोड़ा मतलब सब लोग सेटल डाउन होने दो, फिर नेक्स्ट। नहीं, वॉरियर ऑफिशियल का काली नाम का कोई प्लेयर नहीं है गाइस, काली को रिमूव करना पड़ेगा। नसीम सुन रहा भाई? एक बंदे ने पूछा है अगले टूर्नामेंट का वॉरियर ऑफिशियल का जो टीम है ना, काली नाम का कोई प्लेयर रजिस्टर नहीं है। मैं एक बार बात कर लेता हूँ, रुक, एक बार बात कर लेता हूँ उन लोगों से। उसका पूरा का पूरा टीम ही नहीं आया, बस अकेला आया वो। और यार ऑफिशियल का टीम दूसरे नंबर पे तो नहीं गया, एक बार देख लो। अब भाई 20 में क्यों आ गए ये लोग? बिकॉज ये आ गया ना उधर। काली कौन है? हेलो, काली को ये रहेगा, आपने वो था ना व्हाट्सएप में, गलती से उसको डाल दिया रहेगा। नहीं, वो चला गया अभी, नहीं नीचे आ गया 22 में। हाँ, का 14 का टीम आ चुका है, रिमूव कर गया। रुक, काली जो है काली को रिमूव कर दे, ये कोई टीम का प्लेयर नहीं है, फिफ्थ प्लेयर होगा किसी भी टीम का। ये 41 का ये लेवल है, जो भी हो किसी टीम का प्लेयर नहीं है। देख, टीम फुल हो चुका है, 18 टीम फुल हो चुका है, उसको निकाल दे, टाइम नहीं हुआ अभी तक, स्टार्ट कर देगा। रुक थोड़ा, काली निकल गया 2 मिनट। हां नहीं नहीं, निकल नहीं गया, नीचे अभी निकल गया वो, निकल दिया नसीम। फाइनल में टोटल कितना होगा भाई? ये आईडी पासवर्ड कौन लीक कर रहे हो गाइस? ऐसा मत करो भाई। जीआरएक्स प्रोस्टर ने पूछा भाई नेक्स्ट टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट कब होगा? फाइनल में कर दूंगा गाइस, फाइनल एकदम लास्ट डे में। नाइट ओपी, या गाइस नाइट ओपी, नाइट ने बस आज कमबैक करने का वेट है।
सबके सब टीम आ चुका। अबे नीचे एक बंदा आ गया, ये कौन है? निकल, रुक जा, शायद कोई प्लेयर का चेंज कर रहा होगा अभी, थोड़ा रुक जा, टाइम है, लास्ट में कर देगा, लास्ट में कर देगा। भाई आईडी पासवर्ड कौन लीक कर रहे हो गाइस? ऐसा मत करो, अगर मैं पकड़ लिया कौन आईडी पासवर्ड लीक कर रहे तो उसका टीम को एलिमिनेट कर दूंगा मैं। ये मजाक नहीं है गाइस। यस गाइस, 11 हो जाएगा, स्टार्ट कर देगा इसको निकाल के। ठीक है, इस बार ना मजा ज्यादा आएगा क्योंकि सारे के सारे टीम में फुल टीम आया है और बूम बम थोड़ा ज्यादा ही देखने को मिलेगा क्योंकि टीम एक्स आ चुका है वापस और सारे के सारे टीम एकदम फुल प्लेयर के लेके खेल रहा है यहाँ पर। उसको रिवाइव किए, मतलब रिव्यू कर दे। रुक जा, अभी 11 होने दे, स्टार्ट कर देगा। THGOP किलर बोल रहा है। THGOP या गाइस, THGOP THG ने चिकन लिया अभी लास्ट मैच में। सब लोग आ चुका है गाइस, अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा गाइस, थोड़ा टाइम रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ बस। भाई बोल के रखा है, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग, ऐसा क्यों कर रहे हो गाइस? मैं लिस्ट दे चुका हूँ, बोल के रखा हूँ कि सारे के सारे मैप डाउनलोड कर लो, तो गाइस ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। ओके ओके, ठीक है, बाय बाय। तो गाइस अभी हमारा जो लाइक गोल बहुत करीब आ चुका है, तो गाइस सबके सब एक साथ दबा दो लाइक बटन और नीचे लाल बटन दिख रहा है तो उसको भी दबाओ। और अभी हमारा जो है फाइनल डे का, नहीं फाइनल का डे वन का मैच टू स्टार्ट हो चुका है। अभी हम लोगों को बस बूम बम का वो इंतजार है गाइस, बूम बम। और अभी जेस्टर भाई आप लोगों से थोड़ा बात करेंगे, मैं थोड़ा म्यूट जाऊंगा। गाइस वेलकम टू PUBG मोबाइल। और यहाँ पर जो है हमें अच्छा रंग दिख गया है सैनॉक का। और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। और यहाँ पर जो है प्लेन आ चुका है हमारा। सूरज भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मुफिजुल भाई आप बताओ, आप कैसे हो? हम लोग तो एकदम ओपी है, हम लोग एकदम ओपी, एकदम सही बताए। स्टार्ट कब होगा ब्रो? स्टार्ट जब टाइम दिया था तभी हुआ गाइस, कोई लेट नहीं रहेगा, एकदम टाइम टू टाइम चलेगा सब लोग। 14 को देख सकते हैं जा रही है पैराडाइज रिजॉर्ट, उनके साथ ही टीम नंबर 2 भी आ रही है। और गाइस अभी नेक्स्ट मैच 2 में मैं भी ज्वाइन कर चुका हूं, मैं पूरा का पूरा कमेंट्री अभी चलेगा, तो गाइस रेडी हो जाओ आप लोग, बस रेडी हो जाओ। यस गाइस, और मेरे पास बहुत सारे नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स के कलेक्शन है, अगर आपको चाहिए और कोई एक दो गाना चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल, जैसे आप देख पा रहे हो स्ट्रीम में बहुत कमाल के गाने चल रहे हैं। बिल्कुल गाइस, और जो बूट कैंप पे जैसे कि देख पा रहे हो दो बंदा, दो टीम आ चुका है, 13 और 9 टीम, तो यहाँ पर नहीं 13 और 3 सॉरी 13 एंड 3। और यहाँ पर जो है बंटाई टीम वर्सेस वेब टीम को देख सकते हैं, यहाँ पे फाइट देख ले सकते लेंगे एक बार गाइस, क्या हालचाल यहाँ पर। यस गाइस, तो की हालचाल, तो कैसे हो आप लोग? THGOP बोलते हैं या गाइस, THGOP THG ने चिकन करके दिखाया लास्ट मैच में, बस अभी हम लोगों ने और वेब सैनोक शुरू हो चुका है, देख सकते हैं वेब सारिफ का हेल्थ जो थोड़ा लो हो चुका है, और वेब सारिफ का हेल्थ थोड़ा बहुत लो है, और बंटाई के जो प्लेयर, और यहां पर नेडिंग शुरू हो चुका है, वक्त बस ने किया नेड लेकिन किसी को ऊपर कनेक्ट हुआ नहीं है यहां पर। आई गेस आपने नेड ट्रायल्स को चालू रखा है? हां हां चालू है एकदम। वेरी गुड, फिर तो बहुत ही अच्छी तरह से दिख जाएगा कौन बंदा क्या कर रहा है। एक मिनट गाइस, मैं म्यूजिक थोड़ा सा कम कर दो। यस यस, थोड़ा सा कम कर दो। और गाइस मैं 9:30 को थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लेके जाता हूँ, खाना वाना खा के वापस आ जाऊंगा। ओके गाइस, चलेगा? ओके चलेगा, नो प्रॉब्लम। यस, अभी देख सकते टीम नंबर 13 जो बहुत अच्छी फील्डिंग बिठा रही है, क्यूबीजी का स्प्रे दे रही है यहाँ पे, और वेब राहुल को देख सकते हैं जो है वेरोस के आई गेस अंदर है।
नहीं वायरस के बाहर है वेब सारी जो वायरस पर फॉल बैक कर रही है टीम. सो यस गाइस लेट्स गो टू टीम नंबर 10 जो है हमारे रैली ऑफिशियल्स का टीम. क्या यहाँ पे क्लच दिखा पाएगी टीम नंबर 10 और अपना कमबैक बनाएगी. एंड जो भी बोल सकते हैं अभी ज़्यादा कुछ टीम्स बहुत ही स्कैटर्ड है मैप में एंड आई गेस ज़्यादा कुछ पंगे नहीं मिलेंगे और थोड़ी देर में जो है एड्रॉप भी आ जाएगी जोन आने के बाद और ये जो है पहला जोन रहेगा और पहला जोन है वो आ चुका है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ. या फिर रैली के सारे बंदे थोड़े सेफ खेल रहे पंगे नहीं ले रहे और 13 के प्लेयर्स को भी देख सकते हैं. TWOP इन द चैट गाइस. TWOP या गाइस TWOP भी सेकंड आया था. हेलो गुरु भाई वेलकम टू द स्ट्रीम गुरु भाई. शंकर बोल रहा है नो नंबर 6 दिखाओ ब्रो. ओके ब्रो अभी दिखाएंगे ब्रो. टीम नंबर सिर्फ रैली टीम को मत दिखाओ भाई. सिर्फ रैली टीम को कहां दिखा रहे सबको दिखाने का कोशिश है गाइस. ओ मैं गलती से पहला रैली टीम बोल दिया तो लग रहा है थोड़ा ये हो रहा है करके. यहां पे 35 लाइक्स रहे गाइस. अगला एम है 45 टीम 6 के पास अभी चला गया हम लोग. वॉरियर ऑफिशियल नहीं अल्फा सप्तम का जो टीम है यहाँ पर 3 बंदे के साथ खेल रहा है क्योंकि इसका जो एक बंदा था मैप ही डाउनलोड नहीं करके रखा था तो गाइस तो 3 बंदे के साथ खेलना पड़ेगा गाइस. यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हो अल्फा सप्तम यहाँ पर एक एम मिल चुका है उसको. मेटा 444 को यहाँ पर मिल चुका है एक एम और WHO 77 को मिल चुका है यहाँ पर M4. तो लूट अच्छी खासी हो चुका है अभी टीम नंबर 6 के पास जो अल्फा सप्तम का टीम है. अभी देख लेंगे हम लोग TW टीम को भी एक M4 मिल चुका है तो सभी को थोड़ी थोड़ी लूट हो चुका है तो अभी लूटने का काम जारी है. यस गाइस और यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा जो है रंग आ चुका है मैप और जैसे कि सैनहॉक मैप है बिकॉज ये जो मैप है वो है सैनहॉक और यहाँ पे जो है घास फूस बहुत मिलेंगे डिफरेंट शेड्स के. और यहाँ पे टीम नंबर 3 जो है वही टीम नंबर 13 के साथ फॉल बैक कर रही है और जो नाइट का टीम है वो जो है आगे आ चुका है यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा लूट वूट कर रहा है जो पिछले गेम में ज़्यादा अच्छा गेम प्ले नहीं दिखा पाया टीम नंबर वन बट क्या इस बार कुछ कर पाएगा टीम नंबर वन जिसके वजह से इनका गेम प्ले जो है इम्प्रूव हो जाए और उनकी पोजिशनिंग जो है वो ऊपर आ गया है. यहाँ पर टीम नंबर 5 के इकलौते बंदे को देख सकते अलग जा रहे हैं अपने टीम से और सामने पाइनान में जो है टीम नंबर 8 ने कॉन्कर कर लिया जो हमारा है TSG का दूसरा टीम स्ट्रीट गैंगस्टर्स. और लेट्स सी गाइस और ज्यादा कुछ कमेंट तो हो नहीं रहा है. TW को दिखाओ गाइस. TW को दिखा दे पहले हम TW गाइस अभी दिखाते हैं. और यहां पर TRF का फाइट हो चुका है एक बार हम लोग देख लेंगे TRF का टीम को टीम नंबर 15 गाइस. लेट्स गो टू TRF 15 गाइस. और यहां पर आई गेस उन्होंने एक बंदे को मार गिरा दिया. TW ऑफिशियल्स पीछे ही है एंड आई गेस उनके सारे के सारे बंदे जो जिंदा हैं. बिल्कुल गाइस यहाँ पर TRF ने एक बंदे नॉक कर दिया लेकिन सामने उसका जो टीम है TW का टीम फॉल बैक कर चुका है शायद जैसे कि देख पा रहा हूँ मैं 2 बंदे के साथ. बाकी नॉक कहाँ पर हुआ था भाई. रिवाइव तो नहीं ऑप्शन दिख रहा है किसी को दूसरे आई गेस कोई और नॉक हो गया रहेगा. यहाँ पे एक पहला एयर ड्रॉप आ रहा है समुंदर के बाजू में. ओके हमारा रैली टीम जा रहा है सामने लेकिन उसके सामने वंडर का टीम है तो यहाँ पर वंडर के साथ फाइट हो सकता है गाइस. जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ओके जो TSG का टीम का एक बंदा यहाँ पर फिनिश हो चुका है. DS किलर को मार दिया गया है और पिक्सेल के टीम के द्वारा पिक्सेल टीम के पास चलते हैं. टीम नंबर 18 के ऊपर थोड़ा मतलब रैली वन की टीम के ऊपर थोड़ा भारी पड़ रहा है टीम नंबर 4. यहाँ पे GCS डेकर को देख सकते हैं. उनके एक प्लेयर ने कमेंट किया था कि GCS डेकर जो PMIS प्लेयर और उन्होंने रैली सचिन को भी जो है मार गिरा दिया. एंड आई गेस रैली के जो टीम है उनमें से अभी सिर्फ जो है 2 बंदे ही है और वो जो है थोड़े दूर हैं. यस थोड़े दूर और टीम नंबर 13 वर्सेस 3 यहाँ पे देखने को मिलता है. नहीं टीम नंबर 3 अभी भी होल्ड कर रही है अपना पोजीशन ताकि उन्हें फाइट ना लेना पड़े. और यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा कुछ तो हो नहीं रहा है. टीम नंबर 18 के प्लेयर्स टीम नंबर 4 के पास नहीं जा रहे हैं और यही गाइस यही हो रहा है. टीम नाइट को दिखाओ. यस कहाँ पर है टीम नाइट. आई गेस टीम नाइट जो टीम नंबर 1 और टीम नंबर 18 के साथ जो है फाइट चालू हो चुका है. टीम नंबर 18 को एक और बंदे को जो मार गिरा दिया गया है जो 2 ही बंदे आ रहे हैं. टीम नंबर 1 के पास आ जाओ भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं. यहाँ पे टीम नंबर 1 के पास हम आ गए हैं
यहाँ पे नाइट ऋषि को देख सकते, नाइट जोकर, और आई गेस इस गेम में तो उन्हें कमबैक करना ही पड़ेगा ताकि वो अपना जो लीड है उसे बरकरार रख पाए। और यहाँ पर बोल रहे क्या है, प्राइस पोल है 1000 रुपीज का प्राइस पोल, और डिस्ट्रीब्यूट कैसे रहेगा वो आपको भाई बताएंगे। फर्स्ट टीम को मिलेगा गाइस 500 रुपीज, एंड सेकेंड पोजिशन को मिलेगा 300 रुपीज, एंड जो थर्ड में आएगा उसको मिलेगा 200 रुपीज। तो कुछ इस तरह से हम लोग प्राइस को सेट किया है यहाँ पर। डॉक्टर डार्क को दिखाओ, डॉक्टर डार्क आई गेस डॉक्टर डार्क ढूंढना पड़ेगा अभी। डॉक्टर डार्क आई गेस टीम नंबर 14 के हैं, आई गेस एक्सेंट को देखने दो। हाँ डॉक्टर डार्क टीम नंबर 14 के हैं, चिट्टो ओपी का जो टीम है यहाँ पे देख सकते टीम नंबर 14, और यहाँ पे टीम नंबर 13 और 3 के बीच में ज़्यादा कुछ रिएक्शन नज़र नहीं आ रहे। रैली ऑफिशियल्स भी जो थोड़ा सेफ खेल रहे हैं बिकॉज पिछले उनके मैचेस उनकी खास नहीं गए थे, आई गेस इनको इस मैच में अपना खतरनाक कमबैक दिखाना पड़ेगा ताकि जो प्राइज वो अपना नाम कर पाए। यहाँ पे टीम नंबर 13 पे देख सकते हैं, टीम नंबर 3 के पास रश कर रही है आई गेस, और टीम नंबर 3 जो है वो सबर्ब्स में घूम रही है बूट कैंप के। मेटा 444 ओपी, यस मेटा 44 ओपी, गुरु गेमिंग वाई टी ओपी लिख रहे हैं, नाइस लिख रहे, सुपर लिख रहे, सब कुछ लिख रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ क्या हो रहा है, ग्लिच चालू हो गया है, एक सेकंड रुक गए। और यहाँ पे म्यूजिक आप एंजॉय कर सकते हो, राहुल मंडल वैसे आपको रिप्लाई देता हूँ गाइस, झपट जाके कमेंट करना चालू कर दीजिए। और अभी टीआरएफ का जो है बैटल चालू हो सकता है, टीआरएफ पे आ जाओ भाई। और अभी तो भाई ज्यादा कुछ कमेंट्री नहीं दे रहे हैं, मेरे को क्या मालूम है। यहाँ पे जो है सेकेंड एयरड्रॉप पे जो है यहाँ पे आया है DBS, और यहाँ पे टीम नंबर 16 के द्वारा फाइट देख सकते हैं। टीम नंबर 16 के पास आ जाओ, यहाँ पे TRF के TRF का जो है फाइट चालू हो चुका है, और यहाँ पे TW Blizzard ने जो है वंडर रिपोन को मार गिरा दिया, बट TRF पे जो फाइट हो जाहिर है, और यहाँ पे बहुत ही गंदा जो फायर है वो कनेक्ट हो रहा है TRF बम्बलबी के ऊपर। क्या TRF टीम अपना जो है, और यहाँ पर ईवे गॉड ने जो TRF के एक बंदे को नॉकआउट कर दिया है, यस TRF ऑप्टिमस प्राइम जो हमारा फुल टू है, और आई गेस ऑप्टिमस प्राइम को रिवाइव मिल जाएगा, और ऑप्टिमस प्राइम जो है एक सेकंड को दिखाता हूँ, ऑप्टिमस प्राइम को रिवाइव मिल रहा है यहाँ पे टीम नंबर 16 को अंदर चलते हैं। स्पैंडो का यहाँ पे देख सकते हैं वेब का जो है फाइट चालू हो चुका है, टीम वेब के पास चलते हैं, टीम वेब का जो है फाइट चालू हो चुका है। यहाँ पर वेब के दो बंदे नॉक हैं, और उन्होंने आई गेस टीम 7 के सारे बंदों को मार गिरा दिया है, आई गेस एक को चेक करने दिया। वेब ओपी से चैट गए, उन्होंने एक स्पॉट वाइप कर दिया है यहाँ पे टीम नंबर 7 को पूरा का पूरा फिनिश करके। यहाँ पर देख सकते हैं लाइट शैडो ने जो है द बॉस को मार गिरा दिया, यहाँ पे देख सकते हैं टीम नंबर 15 को, उनका बहुत ही जो है भारी सिचुएशन चालू है, उनको हर जगह से पड़ना जो है चालू हो चुका है, और उनको गाड़ी के अंदर जाना। टीम नंबर 9 और टीम नंबर 5 के बीच में फाइट देख सकते हैं, जो हमारा वंडर टीम के साथ फाइट देखने को मिल रहा है। वंडर के आई गेस दो बंदे फिनिश हो चुके हैं और एक बंदा नॉक, यानी एक ही बंदा जो है पूरा वंडर टीम का जो है, और बाकी सब टीम भी उसका कलर फाइट आउट है जिसे हम देख पा रहे हैं। रैली गौरव का जो है बहुत कम हो गया, बट जोन के अंदर जा चुके हैं, और टीम नंबर 9 के पास वापस जाते हुए हमें नजर आते हैं। टीम नंबर 9 के पास चलते हैं गाइस, मुझे समझ में आ रहा है आई गेस रैली भाई क्यों कोई नहीं बोल रहे हैं, आई गेस सून वो कंटिन्यू कर देंगे। और यहाँ पे टीम नंबर 10 का 10 के बाजू में ही जो है टीम नंबर 6 है,
वो है मेटा ट्रिपल फोर का टीम, क्या यहाँ पे फाइट देखने को मिलेगा हमें? टीम 10 वर्सेस टीम 8, टीम 6 सॉरी। वेब को दिखाओ गाइस, अभी वेब का फाइट हुआ है, वेब को दिखाना है तो एक सेकंड रुको, ढूंढना पड़ेगा वेब का जो है टीम नंबर 3 है। रैली भाई कुछ बोल नहीं रहे, हेलो रैली भाई, हेलो हेलो हेलो, रैली भाई कुछ बोल नहीं रहे, क्या सीन है नहीं मालूम, बट हमारा कमेंट जो जाहिर रहेगा टीम नंबर 3 को यहाँ पे देख सकते हैं। हेलो रैली भाई, हेलो 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 हेलो, आ गया मैं डिनर लेने गया था। ओके ओके आ गया मेरे पास अभी, चलो सब कमेंट्री करो, मैं थोड़ा डिनर खा के आ जाता हूँ मैं भी। ओके अभी जा रहे हो क्या आप? यस यस अभी चला जाता हूँ, फटफट मैं 5-10 मिनट में आ जाऊँगा। मैं नीचे लेके अभी डिनर इधर। ओके कोई नहीं गाइस, अगर फाइट हो रहा है फाइट देख लेंगे अभी हम लोग, वेब का टीम के साथ फाइट हो रहा है गाइस, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग। पिक्सल को यहाँ पर नॉक करा गया है AWM से, यहाँ पर TW जो करने यहाँ पर वो WHO से 77 को नॉक कर दिया है यार। TRF का फाइट हो चुका है गाइस, एक बार देख लेंगे TRF को गाइस, और यहाँ पर भी फाइट जारी है गाइस। वेब रैली हृद ने यहाँ पर एक नॉक निकाला, शायद दो लोगों का फाइट चल रहा था, बहुत सारा फाइट एक साथ देखने को मिल रहा है। वे बैक टू अक्टूबर से यहाँ पर नॉक है, उनको शायद फिनिश करने का कोशिश था लेकिन अभी तक फिनिश नहीं हुआ। वे शरीफ जो उसको रिवाइव देने का कोशिश कर रहा है, कवर में आ चुका है, अभी रिवाइव हो जाएगा शायद। और यहाँ पर हमारा रैली टीम भी है यहाँ पर, तो देख लेते हैं यहाँ पर रैली टीम किसके साथ फाइट ले रहा है। ओके इमोन ने एक बंदे को स्पॉट कर लिया और यहाँ पर बंटाई सागर को स्प्रे दिया गया है, बंटाई सागर को नॉक कर दिया गया है। बंटाई हैप्पी जो इसको शायद किल कन्फर्म कर लिया यहाँ पर, बंटाई हैप्पी भी यहाँ पर। ओके बंटाई को जो टीम था यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है, जीमोन का जो M4 4X स्प्रे 6X स्प्रे था बहुत सही था। तो अभी हम लोग देख लेंगे और भी टीमें यहाँ पर फाइट ले रहे हैं, जो यहाँ पर TW का टीम फाइट ले रहा था। रैली नशिम ने यहाँ पर नॉक निकाला, एक बार देख लेंगे रैली नशिम को, जो TW का टीम है यहाँ पर TW से फाइट हो रहा है। TW का जो दो बंदा है अभी निकल चुका है यहाँ से, रिवाइव देने का ख्याल नहीं है। जोन आ चुका है, जोन बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर नाइट का टीम का फाइट हो चुका है TSG के साथ, एक बार देख लेंगे। TSG डिस्ट्रो यहाँ पर नॉक हो चुका है, कैप्टन है यहाँ पर जो थोड़ा दूर है यहाँ पर, तो फाइट थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पर। नाइट का टीम जो है ऊपर का रिज एडवांटेज लेते हुए यहाँ पर, टीम नंबर 11 दिखाओ, अभी दिखा देते हैं गाइस। टीम नंबर 11 आ चुका है द टीम XXX, एलेक्स का टीम जो यहाँ पर हमारा फाइट हो चुका है। TW का जो एक बंदा नॉक हुआ तो उसको मार दिया गया है, और यहाँ पर एलेक्स का जो ग्रेनिंजा था यहाँ पर TW जोकर ओपी को नॉक कर दिया। TW टीम यहाँ पर एलिमिनेट हो चुके हैं गाइस, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, और बहुत सारे फाइट एक साथ हो रहा है तो सबको दिखाना मुश्किल हो रहा है गाइस, आप लोग समझ लो। और देख जैसे कि आप लोग मैप में देख पा रहे हो, बहुत सारे टीम एक जगह आ चुका है, तो अभी हम लोग देख लेंगे जो सारे टीम बहुत एकदम ज़्यादा ही क्लोज है। सॉरी गाइस अभी अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को। ओके राजपूत ने यहाँ पर रैली नाशिम को ओम से नॉक किया, एक बार देख लेंगे। हृद ने यहाँ पर एक गोकू को नॉक किया, एक बार हम लोग देख लेंगे फाइट गाइस। सॉरी मैप हटा दिया मैंने, नाइट का फाइट हो रहा है यहाँ पर, नाइट का टीम जो यहाँ पर नॉक करते जा रहा है यहाँ पर। नाइट एनिमेस को यहाँ पर नॉक कर देगा, TSG डेस्ट्रोक यहाँ पर मार दिया गया। देख लेंगे वाइपर जो है पानी के अंदर सर्वाइव कर रहा है, और TSG डेविल यहाँ पर है, और TSG का डोर शायद दूसरा टीम के साथ फाइट हो रहा था यहाँ पर, ब्लेज ने फाइट ले चुका है गाइस। रैली गौरव को यहाँ पर मार दिया गया है, सुमन ने मार दिया गौरव को यहाँ पर, पूरा फिनिश कर दिया। इमोन ने सुमन को मार दिया यहाँ पर, रैली का फाइट हो रहा है, एक बार हम लोग रैली का फाइट भी देख लेंगे गाइस। गौरव को यहाँ पर पूरा फिनिश कर दिया गया, तो तीन बंदे के साथ अभी सर्वाइव करना पड़ेगा अपना रैली टीम को, रैली का जो ऑफिशियल टीम है उसको। पिक्सल ने यहाँ पर रैली नासिम को नॉक किया, जैसे कि देख पा रहा हूँ नासिम को पूरा फिनिश कर दिया गया यहाँ पर, और रिद ने यहाँ पर नॉक कर दिया, दो बंदे को यहाँ पर नॉक किल भी कन्फर्म कर लिया, तो इमोन और
अजय भाई को अभी सरवाइव करना पड़ेगा और ऊपर से उसका फाइट होगा अभी जो पिक्स एलेक्स एनिमिक्स का जो दो दो और प्लेयर उसका फाइट होगा तो एक बार देख लेंगे एनिमिक्स का जो दो टीम है ब्रिज के ऊपर है हिल बहुत डाउन है राजपूत का हिल बैंडेज कर रहा है अभी हिल फर्स्ट एड नहीं है शायद और जोन के बाहर फंस चुका है हमारा रैली ऑफिशियल का जो टीम है टीआर डार्क ने यहाँ पर ब्लेज राकेश को नॉक किया एक बार हम लोग देख लेंगे टीम एक्स 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 को गाइस फिनिश हो चुका है शायद मुझे नहीं दिखा रहा है यहाँ पर वेब का टीम एवर फाइट हो रहा है वेब का टीम को एक बार देख लेंगे गाइस वेब ऑक्टोपस वेब शरीफ यहाँ पर जो है आगे जा रहे हैं फाइट अभी नहीं है नाइट का टीम का फाइट हो रहा है एक बार देख लेंगे ब्लेज राकेश को यहाँ पर नॉक किया गया और ऋषि ने यहाँ पर ब्लेज राकेश को पूरा फिनिश ही कर दिया है पिक्सल का जो अकेला बंदा जिंदा है परिहार वो बहुत अकेला यहाँ पर थोड़ा टीम को आगे ले जाने का कोशिश है वेब मैमून ने यहाँ पर मिस्टर एक्स एक्स को नॉक कर दिया टीएसजी का एक बंदा नॉक है यहाँ पर टीएसजी को देख लेंगे गाइस एक बार अरे पर गोल्ड मासूम जो यहाँ पर जोन के बाहर हिल बैटिंग कर रहा है और इधर डेकर ने यहाँ पर इवो गॉड को नॉक कर दिया एक दो और डेकर को भी नॉक कर दिया गया परिहार अकेला जिंदा यहाँ पर पिक्सल टीम का अकेला बंदा परिहार को भी शायद फिनिश कर दिया गया पिक्सल का जो टीम है एलिमिनेट हो चुका है यहाँ पर नाइट का जो टीम है पूरा का पूरा चार बंदे के साथ अभी आगे बढ़ रहा है उसके सामने बहुत सारे टीम है तो यहाँ पर देखते हैं क्या फाइट होता है इमोन यहाँ पर नॉक हो चुका है इमोन को रिवाइव करने का कोशिश जय भाई का तो क्या है का इमोन को रिवाइव कर पाएगा और जोन में भी जाना है तो मुश्किल सिचुएशन है यहाँ पर क्योंकि जोन में आ चुका है वेब का टीम टीआरएफ का टीम यहाँ पर फाइट कर रहा है जैसे कि देख पा रहे हो टीआरएफ ऑफिशियल टीम है यहाँ पर एलिमिनेट हो चुके हैं गोल्ड मशरूम यहाँ पर जोन में फिनिश हो चुका है अभी हम लोग देख लेंगे लास्ट नेज का जो अकेला बंदा जिंदा है नेज रॉय यहाँ पर जा रहा है आगे और वेब का तीन बंदे के साथ अभी जिंदा है नेज रॉय को यहाँ पर फिनिश कर दिया गया नाइट ऋषि ने यहाँ पर फिनिश कर दिया नेज नेज का जो प्लेयर था टी डब्ल्यू का अकेला प्लेयर सरवाइव कर रहा है और ऊपर से जो वेब का टीम है यहाँ पर फाइट शुरू हो चुका है एक बार देख लेंगे हम लोग वेब ऑक्टोपस यहाँ पर फिनिश हो चुका है वेब शरीफ वेब मामू दोनों यहाँ पर और लास्ट फाइव टीम गाइस देखते हैं कौन लेके जाता है हमारा सैनुक का चिकन डिनर तो गाइस देखते रहो और लाइक बटन दबाओ गाइस सबके सब एक साथ लाइक बटन दबाओ और किसी ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब करो हमारा सब गोल बहुत करीब है तो सब्सक्राइब करो और गाइस लाइक गोल भी बहुत करीब है गाइस एक लाइक चाहिए दो लाइक चाहिए गाइस 41 लाइक गोल था गाइस दबा दो यार क्या कर रहे हो दबा दो सब लोग और फाइव टीम यहाँ पर थोड़ा सिनेमेटिक व्यू दिखा देता हूँ गाइस ऊपर से चलो कैसा दिखता है अभी कुछ इस तरह से अभी देख रहे हैं सभी टीम अलग अलग है अभी फाइट ओके टी डब्ल्यू का जो निंजा ओपी है यहाँ पर फायदा ले सकते हैं जो रैली इमून और रैली हृदय यहाँ पर पीछे ही है जस्ट जोन के बाहर सर्वाइव कर रहा है लेकिन उसको अगर थोड़ा सा साउंड आ जाएगा तो उनको आराम से उनका किल आराम से निकल सकता है यहाँ पर अपना रैली का जो टीम है और सभी का सभी टीम अलग है यहाँ पर तो थोड़ा टाइम लगेगा जोन जैसे मूव करेगा नाइट का टीम को थोड़ा दिक्कत हो सकता है जोन उनके साथ नहीं जोन उनके साथ ही है जो बाकी का टीम है उसी को दिक्कत होगा और निंजा ओपी को यहाँ पर पिक कर लिया गया है जैसे कि देख पा रहे हो लेकिन यहाँ पर स्प्रे से कनेक्ट नहीं हुआ यहाँ पर और एक बार हम लोग देख लेंगे हमारा निंजा ओपी को टी डब्ल्यू का निंजा ओपी शॉट कनेक्ट हो रहा है डैमेज भी ले रहा है पानी के अंदर तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो चुका है यहाँ पर ऊपर आ चुका है पिक कर लिया शायद यहाँ पर लेकिन स्प्रे कनेक्ट नहीं हो रहा है निंजा ओपी जो है पानी से जाएगा लेकिन किल नहीं देना चाह रहा है अपना किल तो मुझे लगता है अभी We'll be right back.
मुझे लगता है किल नहीं देना चाहिए था उनको, शायद बेकार का एक पॉइंट दे दिया है, वो अंदर ही मर जाता तो पॉइंट नहीं मिलता सामने वाले टीम को, तो थोड़ा गलती कर दिया। यहाँ पर नाइट का जो टीम है यहाँ पर पोजीशन में आ चुका है और शैडो को यहाँ पर पिक कर लिया है। शैडो को एक बार देख लेंगे गाइस, शैडो को पिक कर लिया और नाइट डेविल ने यहाँ पर शैडो को मार दिया। वेब का टीम को यहाँ पर, वेब का टीम से फाइट हो चुका है यहाँ पर। वेब का टीम यहाँ पर फिनिश हो चुका है, ऋषि को यहाँ पर नॉक कर दिया गया है जैसे कि देख पा रहे हो। नहीं, वेब का टीम अभी तक जिंदा है गाइस। वेब का जो ममून है अभी तक वो है जोन में सर्वाइव कर रहा है और जो टीम नंबर डेविल का टीम है दो बंदे के साथ है। जोकर का हिल बहुत डाउन है और सामने अपना रैली रीद और रैली इमो ने यहाँ पर, तो गाइस क्या हमारा रैली चिकन निकल पाएगा ये वाला मैच? फर्स्ट चिकन होगा हमारा। रैली इमोन ने वेब शरीफ को यहाँ पर फिनिश कर दिया, तो लास्ट फाइनल दो टीम यहाँ पर जो रिवाइव हो जाएगा अभी। ऋषि जो नॉक है यहाँ पर रिवाइव हो जाएगा, तो टू वर्सेस थ्री हम लोगों को देखने को मिलेगा। जोकर के पास हील नहीं है, जोकर हील कर रहा है जस्ट। इमोन के पास 8 किल, हृद के पास 6 किल, तो गाइस रैली ने अभी दिखाया हमारा अपना गेम प्ले, लेकिन अभी क्या चिकन दे पाएगा, क्योंकि डैमेज देता हुआ यहाँ पर, लेकिन नॉक नहीं निकला अभी तक। जोन किसके फेवर में एक बार देख लेंगे गाइस, जोन अपना रैली के फेवर में है, तो थोड़ा दिक्कत ज़्यादा हो सकता है अभी। टीम नंबर जो है 19 का टीम है यहाँ पर, ऋषि ने यहाँ पर M24 से स्नाइपिंग, और यहाँ पर ओपी ने डेविल का, और यहाँ पर जो है रीद यहाँ पर नॉक हो चुका है। इमोन का हील बहुत डाउन है, तो यहाँ पर क्या सर्वाइव कर पाएगा इमोन अकेला है? ऑन बेसिस प्लस एक नहीं निकल नहीं पाया था, मैंने सोचा नॉक हो गया, कोई बात नहीं गाइस। हमारा जो रैली 2 नंबर पे आया, जो नाइट का टीम है यहाँ पर, नाइट ओपन द चैट गाइस, ग्रुप बी में था इस टीम, लगातार चार टिकट चिकन डिनर लिया था, तो इन लोगों ने फिर से कम बैक कर लिया है मैच 2 में फाइनल का। तो गाइस इन लोगों को मिलेगा अभी 29 पॉइंट। और चलो गाइस मैं अभी स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ और बाद में अपडेट कर लूँगा, क्योंकि हमारा जेस्टर भाई अभी नहीं है, तो मुझे अभी चैट पढ़ना पड़े पढ़ना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, मैं स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ अभी। सारे के सारे टीम अच्छा खेला, अभी हमारा डे ऑन का जो फाइनल मैच है अभी स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे, तो टाइम बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, तब तक हम लोग आपसे बात कर लेंगे, चैट से बात कर लेंगे, आप लोग बताओ और नंबर 6 दिखाओ। नंबर 6 भाई दिखाया था शायद अभी, और किसी को नहीं दिखा पाएंगे, कोई बात नहीं गाइस, लेट्स गो। अभी आप लोग बताओ चैट में, मैं रिप्लाई दे दूंगा। जेस्टर ब्रो इधर ही है, डिनर करने गया, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। छः नंबर को दिखाओ, 18 ओके, सबका दिखाया भाई, अभी हो चुका है। अभी कुछ आप लोग पूछो, सवाल है तो पूछो और मैं जवाब दे दूंगा गाइस। और गाइस जैसे कि देख पा रहे हो आप लोग, ये जो है हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है और हम लोग डिस्कॉर्ड से म्यूज़िक चला रहे हैं, तो आप लोगों को अगर म्यूज़िक सुनना है बिना ऐड का, तो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करके आप म्यूज़िक का, जो भी म्यूज़िक आप सुनना चाहते हो उसका कमांड देके, इधर एक्सक्लेमेशन मार्क प्ले करके जो भी म्यूज़िक सुनना चाहते हो उसका नाम डाल दोगे, आपका म्यूज़िक आ जाएगा। तो गाइस या गाइस आपको अगर म्यूज़िक सुनना है ऐड फ्री, तो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर में अवेलेबल है गाइस। जो म्यूज़िक जो चैनल है आपको दिखेगा टेक्स्ट चैनल, उसमें आके जैसे देख रहे हो जेस्टर ब्रो अभी चला रहे, एक्सक्लेमेशन मार्क प्ले करके हीरो ने उसको हीरो गान सुनना था तो वो चलाया था, तो ऐसे करके आप कर सकते हो। और आपको अगर हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर में रोल चाहिए, तो उसका भी अपडेट बहुत जल्दी आ रहा है, रोल्स का एक सिस्टम आ रहा है हमारा डिस्कॉर्ड में, तो अपडेटेड रहो डिस्कॉर्ड में और ज्वाइन कर लो। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो हम लोग बहुत जल्दी रोल का जो एक सिस्टम है उसको भी डाल देंगे। अभी मैं आज ही थोड़ा कस्टमाइज़ किया, थोड़ा कलरफुल किया, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो आप लोग आओ हम और भी काम करेंगे डिस्कॉर्ड के ऊपर गाइस। आप लोग अभी चैट में बताओ गाइस, हम लोग जवाब देंगे। और सब्सक्राइब करो गाइस, लाइक सब्सक्राइब करो, 1 लाइक चाहिए बस 41 होने के लिए, तो गाइस सबके सब एक साथ दबा दो, क्या कर रहे हो, दबाओ गाइस सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो सब लोग, और लाइक वाला बटन भी दबाओ,
और अभी हमारा जो फाइनल मैच होगा मीरामार में होगा गाइस, तो सबके सब रेडी हो जाओ 20 मिनट का टाइम में। अगर मीरामार का मैप डाउनलोड नहीं है किसी को तो डाउनलोड कर लो, जैसे कि हम लोगों ने देख पाया था सैनोक का मैप में एक बंदे का मैप डाउनलोड नहीं था, उसको निकाल दिया गया था। तो गाइस कर लो डाउनलोड, क्या आप चाहते हो आपका प्लेयर मतलब टीम रूम से बाहर जाए, है ना, तो डाउनलोड कर लो, आपका प्लेयर सेफ रहेगा क्योंकि मीरामार में मैच है। और हमारा जेस्टर ब्रो है जो बहुत जल्दी आ जाएगा, डिनर करने गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मर में ज्वाइन कर लेगा हमारे साथ। और अभी हम मेरे पास टाइम है थोड़ा ज़्यादा तो मैं कर लेता हूँ। जेस्टर ब्रो ने जो ये डाला था ना, एक मिनट गाइस, ओह शिट, कोई नहीं गाइस, उसको गाइस अभी मैं दिखा देता हूँ जिस्टर भाई का चैनल को। कॉपीराइटेड पिक्चर आ जाता है यूट्यूब का प्रूफ होम पेज में, तो मैं चेंज करना भूल गया था, कोई नहीं, अभी आ गया जेस्टर भाई का चैनल। और ये जो है जेस्टर भाई का 100 सब्सक्राइबर का स्पेशल मॉन्टेज, तो आप लोग थोड़ा एंजॉय कर लो तब तक। और हाय गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ। जो पिछले मैच में देखा था कि नाइट की जो टीम है उन्होंने बहुत ही खतरनाक गेम प्ले दिखाया था, और नाइट की टीम ने अपना डोमिनेंस जो है बरकरार रखा है गाइस। बिल्कुल, नाइट टीम ने एकदम खतरनाक कमबैक दिखाया है गाइस। अभी मैं आपका जो मॉन्टेस वीडियो था वही प्ले कर रहा था स्ट्रीम में, वो कर रहे तो थे। आप लोग अभी फुल वीडियो देखना है तो गाइस जाके देखो, नीचे आप लोग में अभी जो है लिंक वीडियो का स्पैम कर देता हूं चैट में गाइस, रुक जाओ। थैंक यू ब्रो। और ये मैंने कर दिया, जाके देखो सब लोग, और लाइक जरूर करना, और मजा आया तो सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर करना एकदम। यस गाइस, सबके सब जाओ। फाइनल कितने कितने दिन का है भाई? फाइनल 3 दिन का रहेगा, आज yes. कल और परसों। यस, मैं एक्चुअली खाना खा के देख ही रहा था मैच की नाइट टीम ने जो रैली टीम के बस 2 बंदे बाकी थे, नेट जो किया था ना बहुत ओपी नेट था उधर। और ग्रुप बी से कितना टीम क्वालिफाई करे भाई? ग्रुप बी से 10 टीम क्वालिफाई करा है, क्योंकि मैंने कल पहले बोल दिया था स्ट्रीम का कि ग्रुप बी से 10 टीम जाएगा, क्योंकि मुझे लगा कि ग्रुप बी का टीम ज़्यादा मतलब बूम बम कर रहा था, तो इन लोगों को मौका मिलना चाहिए, तो इसलिए और किया। गुरु गेमिंग वाईटी ने मेरे और एक बात क्लियरिफाई करना है गाइस, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि बहुत सारे नहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुझे कि आपका जो रैली टीम जो था 10 नंबर पोजीशन में था इसीलिए आपने किया ऐसा, वैसा बिल्कुल नहीं है गाइस। रैली का टीम हमारा 15 नंबर पोजीशन में था 2 दिन के पहले, तो
तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई इतना सही सही टीम है, सब लोग अच्छा खेल रहे हैं। तो मैंने सोचा जैसे PMPL में किया था, पहले दो बोला था, उसके बाद उन लोगों ने चेंज करके बढ़ाते बढ़ाते लास्ट दिन में उसने बोला 7 जाएगा टोटल, 7 टीम फाइनल में जाएगा। तो ऐसे ही मैंने ज़्यादा नहीं किया, मुझे ऐसा लगा कि जाना चाहिए, ग्रुप बी का टीम ज़्यादा तोड़ फोड़ कर रहा है, तो इसलिए मैंने 8 से 10 टीम जाएगा पहले ही बोल दिया था स्ट्रीम जब चालू किया था मैंने। तो ऐसा बात नहीं है कि हमारा रैली टीम लास्ट में आया ऐसे 10 नंबर पोजीशन में और मैंने कर दिया, और नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता ऐसे रीजन। और मैंने टर्म्स एंड कंडीशन में बोल के रखा था कि मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा मैं चाहता हूँ फेयर गेम प्ले हो, मैं फेयर गेम प्ले करना चाहता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं फेयर नहीं है, भाई आप PMPL देख रहे हो, PMPL फिर क्या कर रहा है, PMPL से तो हम लोग सीखेंगे ना, उधर से मेरे को आइडिया आया। तो ऐसा सीन है, आप लोग एक बात बार बार मत बोलो, मैं जो है क्लियर फेयर दे दिया इसको, सब कुछ फेयर ही चल रहा है। जैसे कि देख सकते हैं गुरु गेमिंग YT ने मेरे को सब्सक्राइब किया, वेरी बिग शाउट आउट टू यू। बिल्कुल, और जो आपके चैनल पे 40 लाइक्स हो चुके हैं। ओके गाइस, 40 ऑन लाइक गोल था शायद, तो गाइस 42 ओके 40 ऑन शायद हो चुका है, मैं मेरा मोबाइल में देख पा रहा हूँ। तो गाइस नेक्स्ट लाइक गोल जो है हमारा 52, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, दबा दो सब लोग जाके। अभी 14 मिनट का टाइम है, तो आप लोग थोड़ा सा रुको, मैं सीन चेंज कर देता हूँ क्योंकि कहाँ से कहाँ कॉपीराइट आ जाएगा मालूम नहीं मेरे को, सीन ठीक नहीं रहता इसका यूट्यूब का। तो जेस्टर भाई आ चुका है, मैं तेरे मेरे पास टाइम है, मैं तब तक काम करता हूँ, पॉइंट अपडेट कर लेता हूँ। जेस्टर भाई आप तब तक बात कर लो, खाना भी खा लो आप। हाँ मैं वो भी करूँगा बिल्कुल। जल्दी करो यस जाहिद हलसाना भाई, अपन फटफट कर देंगे। और गाइस कमेंट करते रहना, हाँ भाई करते रहना। Come on guys, comment करो। और comments ज़्यादा आने कर रहे हैं। मैच का रिजल्ट देख के थोड़ा डिस्कस कर सकते हो, कोई कमेंट नहीं कर रहे तो ठीक है। मैच का रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा आया, स्ट्रीम से देख लो। रैली गेमिंग की टीम ने तो बहुत ही खतरनाक कमबैक दिखाया था, #2 था। अभी भाई एक बार रैली ओपी कर दो इन द चैट और नाइट ओपी कर दो, बिकॉज दोनों टीम ने जो है बहुत ही खतरनाक गेम प्ले दिखाया है इस बैटल ग्राउंड में। ओके गाइस, मैं आपको एक छोटा सा जो है एक टास्क देता हूँ गाइस, ठीक है। ये जो चीज है ना, इसको ना हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना है। पबजी का जो फुल फॉर्म है प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, उसको आप हिंदी में लिखकर कमेंट कीजिए, और जिसका जो कमेंट ठीक रहेगा उसको मिलेगा शाउट आउट। Come on guys, फटफट करो। Come on guys, अगर आपको स्ट्रीम पसंद है तो स्ट्रीम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, और सपोर्ट कर सकते हैं हमारे स्ट्रीम को पेटीएम के द्वारा, हमें पे करके या फिर डोनेट करके 9732947892 नंबर पे। No sé yo puedo leer, quieres hecho yo que complete with it en tu mente como una locura. Te pega la bala la historia. I live in your status so critical. Dando la chamba la clínica. Me meto en tu mente lo pise. Quemando.
todo, todo lo que existe. Tô no jogo, então avisa lá. Pronto, preparado, eu vim pra ganhar. Deitar os caras, eu vou amassar. Mostra pra eles como é que se faz. No Free Fire nós tá demais. Ó, nível que nós tá, vão querer reportar. Yes, bro, ping to badi aegi hi because, hein? हो जाता है कभी कभी, एक दिन PUBG का सर्वर डाउन रहता है, हम कुछ नहीं कर सकते। भाई रूम सब बंदों का पिंग हाई जा रहा है, अभी क्या करेगा इसका। कभी पबजी का जो है सर्वर डाउन रहता है, कभी कभी इंटरनेट प्रॉब्लम करता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। Yes, Guru Gaming IT, a very big shout out to you. Come on guys, comment करते रहना, like करते रहना, subscribe करते रहना, और हम जो है अगले match की तैयारी कर रहे हैं, और जो है we are working on the leader board जो है अभी बहुत तुरंत ही आ जाएगा। और अभी जो है guys comment करो अगला NCS का कौन सा गाना लगा है जो copyright नहीं है, तब बता सकते हो कौन सा गाना है जो copyright नहीं है, फटफट बताओ guys। जी हाँ बताओ यार, Come on guys, hit the like button and subscribe button. Guys, आप comment क्यों नहीं कर रहे? जाके comment button को दबाओ यार। यार ऐसे थोड़ी ना होता है guys. Comment करो, like करो, subscribe करो। और जो है मैं search करता हूँ गाने। Yes guys, अभी आपको एकदम मस्त गाना मिलेगा। Till then, stay tuned to Rally Gaming YT and just Cherry Sport. कमेंट करते रहना, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, टिल देन एंजॉय अ सॉन्ग, सॉन्ग को एंजॉय करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। ईमान भाई चल जाएगा, अभी अगला गेम जो है आई गेस आपका बहुत अच्छा जाना चाहिए, इसके लिए मेरे द्वारा आपको मिलते हैं थोड़े अच्छे गुड लक। यस गाइस, अच्छे विशेस ईमान भाई के लिए मैं दे रहा हूँ, सभी लोग के लिए अच्छे विशेस दे रहा हूँ, ताकि सब लोग जो है अपना पोजीशन आगे जो है बरकरार रख पाए। यस गाइस, टिल देन एंजॉय द सॉन्ग गाइस।
Boom, bam. भाई रूम में भाई पिंग इश्यू हो रहा है गाइस, अभी हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज कल कभी पबजी का जो है कम हो गया था नासिम कैंप पर। हाँ गाइस तुरक तुरक तरा तरारा सर बिग फैन, बिग फैन रियन रियन, आई गेस आई एम स्पेलिंग यू राइट। ओपी बोलते हैं यस ब्रो, पर यार ब्रो एक बार टीम पिक्सेल ओपी इन द चैट गाइस। और जो है मेरे लेटेस्ट वीडियो पे जो 9 लाइक्स हो गए गाइस, जाके 10 लाइक्स कर दो फट से जाना और फट से दबाना, मेरे इस पे जो 10 लाइक्स के बहुत ही करीब हो चुका है। यस गाइस 10 लाइक्स के बहुत ही करीब हो चुका है, जाके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। और ऐसा कर मेरा जो अगला वीडियो होने वाला है टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर होने वाला है और हाइडिंग स्पॉट्स के ऊपर होने वाला है गाइस। तो गाइस स्टे ट्यून्ड टू जेस्चर रिच फॉर टिप्स एंड ट्रिक्स। और अगर आपको मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे साथ सीखने तो मैं आपके कस्टमर रूम में आके आपको सिखा सकता हूँ, नॉट अ बिग डील। तो हाँ भाई शुरू करते हैं हम अगले मैच की, थोड़ी देर में चालू चालू हो जाएंगे गाइस। जैसे हम देख पा रहे हैं रैली भाई जो है थोड़े बिजी हैं, मतलब ऐसा आ नहीं रहे हैं फिलहाल तक। रित भाई से पूछ लेते हैं थोड़ी बात है। रित भाई, रित भाई थोड़े आ जाओ, रित भाई लाइव रूम में आ जाओ, रित भाई लाइव रूम में आ जाओ। और आई गेस कोई तो लाइव रूम में आया है, रैली नासिम भाई जो लाइव रूम में आया है आई गेस। रित को मैं बुला रहा हूँ, रित आ नहीं रहा है, रित को एक बार बुला लेता हूँ। रित कहाँ पर है, रित को टेक्स्ट कर देता हूँ मैं कि रित भाई आ जाओ। रिद भाई कहाँ पर है, नासिम भाई रिद भाई को बुलाओ ना, थोड़ा बात करेंगे में। भाई अच्छा गेम प्ले था, हैशटैग टू तक आए, अच्छा गेम प्ले, यही जो है मेंटेन करो जीत जाओगे आई गेस। अभी हम भाई आवाज तो आ रही है ना, पर हेलो 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 यस आवाज नहीं आ रही है मेरी, एक सेकंड रुको मैं थोड़ा मतलब हेलो 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 आई गेस कुछ प्रॉब्लम हो गया है, एक सेकंड रुको गाइस आवाज आ रही है तो एक सेकंड रुको, मैं रित भाई को ये करता हूँ कॉन्टेक्ट, को फटफट आ जाएंगे। रित भाई को मैसेज करता हूँ, भाई आ जा। और अगर गाइस अगर आपको मेरा थंबनेल पसंद आए तो आप मुझसे बिना कोई पैसे लिए मैं आपको बना दूंगा एक अच्छा खासा थंबनेल जैसे मैंने अपने लिए बनाया है। सो लेट्स गेट बैक टू द गेम गाइस, थोड़ी देर में जो है मैप भी रेडी हो जाएगा और रैली भाई भी जो आ जाएंगे। ओके हमारे साथ रैली नसीम भाई, बट आई गेस मेरा आवाज नहीं जा रहा उन तक। हेलो रैली भाई आवाज आ रही है, हेलो हेलो यो यो आ चुका हूँ मैं, आ चुका हूँ, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल एकदम कड़क गाइस, अगर आपको रूम आईडी पासवर्ड आ चुका है गाइस, यस मुझे इनवाइट कर दो फिर नसीम भाई, बिल्कुल फ्री में इनवाइट देते मेरे को नसीम भाई। और आई गेस आप थोड़ा कमेंट्स पढ़ लो भाई, आपके लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आए, मैंने थोड़े कमेंट्स पढ़ लिए, आप भी थोड़ा पढ़ लो। और जो है रासिम भाई के द्वारा मुझे इनवाइट आ चुके हैं और मैं रूम के अंदर आ चुका हूँ। और मेरा क्या मूड कह रहा है कि मैं थोड़ा मतलब नम
टीम नंबर 10 से थोड़ा खेल लो बिकॉज मेरे को बोर हो रहा है। आई गेस किसने सुना नहीं है, अच्छी बात है। मैं टीम नंबर 1 से खेलता हूँ। चलो गाइस मैं आज जो हूँ म्यूजिक मिस कर रहा हूँ। क्या म्यूजिक बंद हो गया है? कौन सा म्यूजिक लगाना है बोलो, लगा दूंगा। लगा दो एकदम तगड़ा वाला, तगड़ा वाला, मस्त वाला एकदम। कौन सा वाला लगाऊं? हेरो ब्रायन वर्सेस डेडनॉट। आई गेस से अच्छा आना चाहिए। लेट्स सी, ये मेरा आई गेस रिमिक्स है और अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे मैप में तो कोई आया नहीं है अभी। टीम वन सारे के सारे एनसीएस का है ना ये? क्या जो रिमिक्स है ना एनसीएस का है ना सारे के सारे रिमिक्स? हाँ ऐसे भी थोड़े गाने जो मतलब नॉन कॉपीराइटेड, टेंशन की बात नहीं है। ओके और वैसे भी ये तो ये है ना रिमिक्स है तो उसपे कोई कॉपीराइट ज्यादा लगता नहीं है। ओके रिमिक्स पे ज्यादा कुछ कॉपीराइट लगता नहीं है। इमोन थोड़ी देर पहले रो रहा था किस लिए मुझे नहीं मालूम। सर बिग फैन रॉयन, बिग फैन टू यू ब्रदर। बोलो और यहाँ पे मैच में जो है 10 लोग आ रहे हैं। अरे बोलो टिल देन गाइस स्टे ट्यून्ड टू रियल गेमिंग वाईटी जस्ट वी स्पोर्ट। मेरा रिमिक्स है, मेरा चैनल था पुराना वाला उस पर मैंने रिमिक्स बनाया था एक। यहाँ पे टीम जो है टीम 26 लोग जो है आ चुके हैं। थोड़े थोड़े लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ी देर में जो है चालू हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं। 35 पीपल आ चुके हैं। क्या हमारे पिछले मैच के जैसे रैली गेम रैली का जो टीम है वो कम बैक कर पाते?
और रैली भाई कुछ बोल नहीं रहे, क्या हो गया है रैली भाई को? एक सेकंड गाइस, मैं एक मिनट में आया बस। कर दूंगा क्योंकि अभी तो मोबाइल था उसका चार्ज नहीं था, तो मेरे पास नहीं था वो, और अभी आ चुका है मेरे पास वापस मेरा फोन जिंदा होकर। तो लेट्स सी गाइस कमेंट सेक्शन में क्या चल रहा है। हेलो ब्रो, हेलो कंसल भाई, वापस आ गए हमारे कंसल भाई, हमारे अपने। और यहाँ पे देख सकते हैं मोहन ने बोला है हार्ट, बहुत सारे कितने लाइक चाहिए। एक सेकंड गाइस, मैं जरा एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। अभी सी है और 4 लाइक्स ब्रो। सागर ब्रो इधर थोड़ा कमेंट रुकना नहीं चाहिए गाइस, करते रहो। यस सागर इसके थैंक यू गाइस। रियान रियान ओ सॉरी अकबर, बिग शाउट आउट दोना। ओके रियान रियान वेरी बिग शाउट आउट टू यू। एक बार ओके निंजा ओपी इन द चैट कर रहा है रैली ना, सिर्फ एक बार निंजा ओपी इन द चैट हो जाए, एक बार हो जाए। और मैं थोड़े गाने सर्च करता हूं। नासिम भाई आप एक्सक्लेमेशन नेक्स्ट, एक बार म्यूजिक चैनल पे जाके एक्सक्लेमेशन नेक्स्ट लगा दो ना, बिकॉज दो लोग रूम के अंदर होना, आप तो रूम आप कर सकते हो कर सकते। नहीं 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 नहीं, म्यूजिक रूम में जाके सिर्फ टेक्स्ट करना है, टेक्स्ट करना है, टेक्स्ट तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं हो जाओगे। क्या बोल रहा हूँ, एक्सक्लेमेशन नेक्स्ट कोई और एक और बंदा लगा दो ना, अगला गाना लग जाएगा, बिकॉज वो वोटिंग मांग रहा है इसके लिए। क्या करना पड़ेगा बताओ? बस म्यूजिक के टेक्स्ट में जाके ना एक्सक्लेमेशन नेक्स्ट लिख दो। कर दिया, चलो हो गया है, एकदम खतरनाक लगा एनसीएस का। ओके गाइस टाइम हो चुका है, एक मिनट एक्स्ट्रा टाइम, चलो एक टीम आया ही नहीं अभी तक 16 नंबर टीम के लिए, एक मिनट एक्स्ट्रा टाइम गाइस, चलो देख लेते हैं आता है कि नहीं। जो हमारा पीएमआई इसका टीम था 7 इस शायद अभी तक, और 6 के भी सिर्फ 3 ही बंदे आए हैं अल्फा सप्तम के। ये अभी तो आया था लास्ट, आ गया वापस आ गया हंटर राहुल।
11 हो जाएगा, स्टार्ट कर देना सिम। यस नहीं दोगे लाइक, क्या क्या हो गया ब्रो? लेट्स गो गाइस, सब के सब लाइक ठोको, बहुत करीब है हमारा 4 लाइक चाहिए लव गोल के लिए। सब के सब लाइक दबाओ और सब गोल भी बहुत करीब है गाइस, सब के सब एक साथ सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना चाहिए गाइस। और लाल वाले इसको ग्रे कर दो, आप कर सकते हो, आप तू खुद से कर ले, तेरा अपना जितना कर सकता है। तू म्यूट भी कर सकते है म्यूजिक को, ऑप्शन में दबा म्यूजिक के जाके। मेरे को डिस्कॉर्ड में जाना पड़ेगा खुद से। तो मैं कैसे कम कर सकता हूँ? तो नहीं होता तेरा नहीं कम होगा, पूरा बंद करना पड़ेगा अभी। ओके स्टार्ट कर दे, हो गया टाइम, हो गया, देख एक मिनट देख ले, एक मिनट देख ले, ओके हो गया, चलो ठीक है अभी डिस्कॉर्ड। लेट्स गो गाइस, अभी फाइनल में बूम बम मिरमर चलेगा हम लोगों का। ये गाना कड़क है भाई, एकदम खतरनाक गाना है सही में गाइस, कड़क है। अगर आपको ऐसे ही कड़क कड़क गाने का NCS का कलेक्शन चाहिए तो जेस्टर भाई से आप लोग बात कर सकते हो, आप लोगों को एकदम फ्री में सजेशन देगा, लोगो भी बना के देगा, जो भी चाहिए गाइस जेस्टर भाई के पास क्या नहीं है आप लोग बता सकते हो, क्या नहीं है सब कुछ है। और जो मेरा है 105 सब्सक्राइबर्स हो गए, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग गाइस, थैंक यू गाइस। जेस्टर भाई का सब गोल अभी रखते है 110। यस 5 सब्सक्राइबर चाहिए गाइस, दबा दो सब लोग जाके सब्सक्राइब। और मेरे लेटेस्ट वीडियो पे वो 9 लाइक हो चुका है गाइस, 10 लाइक कर दो उस पे, कर दो गाइस, जाओ सबके सब एकदम दबा के आ जाओ और फिर से स्ट्रीम देखो, और जाके फिर से स्ट्रीम जब खत्म होगा जिस्टर भाई का वांटेड वीडियो जरूर देखना, और बाकी वीडियोस भी देखना पैसिफाई का, तो भाई बहुत खतरनाक वाला है पैसिफाई, जो पैसिफाई का वीडियो तो हमारा तंजिल भाई जरूर देखेगा, तंजिल भाई स्पेसिफाई का फैन है एकदम। हेलो ब्रो तंजिल भाई, हेलो कैसे हो तंजिल भाई? तंजिल भाई देख के बोलेंगे भाई तो पैसिफाई में भी हैकिंग कर रहा है। अरे अभी हम लोग थोड़ा ओपी वाला कमेंट्री देने का कोशिश करेंगे। यस गाइस फुल मूड में आ चुका हो एकदम, मैं भी। लेट्स गो गाइस, हमारा प्लेन जो शुरू हो चुका है। डेस्परेट फॉर तुम्हारा चैनल है क्या? यस ब्रो, राहुल गेमिंग पबजी मेरा चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, पहले वाला लिंक जेस्टर भाई का है, जाकर सब्सक्राइब करो और भाई को सपोर्ट करो गाइस। और अगर आपको कुछ चाहिए थंबनेल वगैरह फ्री में बना के देगा, भाई को जाके बोलो, और भाई को थोड़ा काम दो यार, भाई लॉकडाउन में घर में बोर हो रहा है तो थोड़ा काम दो, आप लोग काम भी कर देगा, आपका भी हेल्प हो जाएगा, उनका भी हेल्प हो जाएगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं प्लेन से सारे का सारे टीम उतरने का कोशिश, इसको गाइस म्यूजिक थोड़ा सा ज्यादा कर देते ठीक है। और यहाँ पे जो टीम नंबर 11 के जो प्लेयर है वो यहाँ पे खुद रहे, पीछे से टीम नंबर 1 जो है कहीं और ही जा रही है। हमारी टीम नाइट को एक बार देख लेते हैं, टीम नंबर नाइट के पास है, टीम नंबर 2 भी है जो है टीम नंबर नेस एल्विस की, और यहाँ पे नाइट ड्रैगन के टीम को देख सकते हैं, यहाँ पे लैंड कर रही है छोटे से वेयरहाउस में। I don't guess it's a safe decision होगा because बहुत सारी teams अलग अलग जगह पे उतर चुके हैं। टीम नंबर 13, टीम नंबर 5 और I guess टीम नंबर 3 जो है एक साथ कूद रही है एक जगह पे, और I guess यहाँ पे कर दिया ब्रो। ओके थैंक्स ब्रो हाइब्रिड जेरी। अपर जो फाइट चालू हो चुका, टीम 3 के पास आ जाओ भाई एकदम गाइस, टीम 3 के पास अभी जा जाएंगे। वेब टीम के पास हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर वेब राहुल को देख पा रहे हैं, वेब शरीफ को देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा एक ही जगह पर टीम है, और सामने बहुत सारे टीम है यहाँ पर, टीम नंबर 5, टीम नंबर 12, टीम नंबर 13, चारों का चारों टीम यहाँ पर। फाइव जो बोलते हैं बहुत ही लो हो चुके हैं उनके TW ब्लिज़र्ड, उनके पास कोई गन नहीं है, और टीम नंबर 3 जो है फायर स्पैम कर रही है, और पीछे से जो बंटाई का आएगा टीम है, यस बंटाई का टीम भी वहाँ पर ही है, तो वेब टीम के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज पड़ सकता है क्योंकि सैंडविच होने के पूरे चांसेस हैं। और पीछे से मैग्नम का टीम है जिन्होंने पहले गेम में चिकन डिनर निकाला था भाई, उन्होंने भी जो है बहुत खतरनाक गेम प्ले दिखाया है इस मैच में, तो एक बार नाइट ओपी कर दो और एक बार जो है हमारा TSG ओपी कर दो गाइस इन द चैट। ओके गाइस मैं भी वापस स्ट्रीम पे आता हूँ ताकि आपके कमेंट्स को थोड़ा रिस्पेक्ट दे सकूँ मैं भी एकदम।
और यहाँ पे मैं थोड़ा चार्जर का जो पोर्ट है उसको मैं फोन के अंदर घुसेड देता हूँ। और यहाँ पर जैसे देख पा रहे हो टीम नंबर 13 का जो बंटा है, यहाँ पे अकेला बंदा थोड़ा सा क्लोज हो चुका है टीम नंबर 3 जो वेब का टीम है, वेब शरीफ और बंटा है, लेकिन यहाँ पे यहाँ पर पीछे आ चुका है तो फाइट नहीं हो सकता है, मुझे नहीं लग रहा फाइट होगा। और यहाँ पर जो मैग्नम बहुत क्लोज आ चुका है यहाँ पर, और दूसरे जगह फाइट भी शुरू हो चुका है, हम लोग फाइट देख लेंगे। टी ए कौन सा जगह मालूम नहीं, शायद 70s का टीम था ये। टीम 7 के पास आ जाओ, टीम 7 पर है ये टीम, उन्होंने टीम 6 के दो बंदों को जो है नॉकआउट कर दिया यहाँ पे। यहाँ पर एक और बंदे को जो अल्फा सतंग उनको शॉट गन से यहाँ पे निगरा दिया, यहाँ पर हु ट्रिपल सेवन है और आई गेस उनको भी जल्द मार दिया जाएगा। और यहाँ पे हु ट्रिपल यहाँ पे स्क्वाड वाइप देख सकते हैं टीम नंबर 6 के द्वारा, एकदम शानदार स्क्वाड वाइप। एक बार टीम 7DS ओपी इन द चैट गाइस, एक तो नाम भी इनका 7DS है और जो नंबर है वो भी उनका 7 है, यानी लक तो इनके हाथ में है पूरा का पूरा। और यहाँ पर जो है अल्फा सप्तम का जो टीम था यहाँ पर 17 नंबर पे एलिमिनेट हो गया है। और यस यहाँ पे टीम नंबर 12 को देख सकते हैं जो होल्ड कर रही है टीम नंबर 13 के सामने, और टीम नंबर 3 जो है वो तो अलग ही कहीं घूम रही है। क्या टीम नंबर 3 यहाँ पे रश करना चाहेगी सिचुएशन में, देख सकते टीम नंबर 8 भी बाजू में ही है जो TSG का दूसरा टीम है। और यहाँ पर जो है पोजीशनिंग चालू हो चुकी है टीम नंबर 13 के द्वारा, बंटा है हैप्पी ने पोजीशन ले लिया, SN मैग्नम ने बंटा है को जो स्पॉट आउट कर लिया है और उन्होंने एक मॉली खींच ली है। क्या अभी मॉली को जो है अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे और उनको जो नॉकआउट कर दिया एकदम, मैग्नम वो भी को नॉक कर दिया गया यहाँ पर, जैसे कि देख पा रहे हो बंटाई का रिकी ने क्या यहाँ पर एकदम ओपी का स्कारल का स्प्रे जो यहाँ पे आता हुआ, यहाँ पे नेड़ हुआ जिसके वजह से उनका कान जो, और यहाँ पे एकदम खतरनाक स्प्रे कनेक्ट कर रहे, यहाँ पे एक नेड़ हुई है उनके सामने, यहाँ पे बहुत सारे नेड़ स्पैम किए जा रहे हैं, एक स्मोक हुआ और एक नेड़ हुआ। और मैग्नम का जो हेल्थ है एकदम मतलब कम है, मतलब एक और अगर नेड़ है तो फायर लग जाएगा, और उन्हें हील भी कर लिया है। और बंटे VIP को अभी तक कोई रिवाइव भी नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर मालूम नहीं मेरे को। सागर के पास आराम से कवर है, वो आराम से रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है सागर आएगा, सागर मूवमेंट कर रहा है सागर जो है। और रिकी ने यहाँ पर फॉल बैक करके आ गया था थोड़ा क्लोज, तो फाइट यहाँ पर रिकी का बहुत रिकी अगर थोड़ा कम हो गया यहाँ पर अगर नॉक हो गया तो रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ले रहा है और जो मॉली हुई है यहीं पर ही, यस यहाँ पर मॉली हुआ है बट गलत मॉली हुआ, यहाँ पे TSG वैम्पायर ने जो है रश बोल दिया है और जो है बंटा है रिकी के ऊपर जो है ये हो चुका है रश, बट उन्होंने जो है अच्छी तरह अच्छे टाइम पे जो है फॉल बैक कर दिया है, नहीं उनको वापस फॉरवर्ड कर दिया, उन TSG वैम्पायर को जो है नॉक कर दिया। एकदम स्ट्रेटेजिक जो था ये वाला गेम प्ले था और इनको जो है फिनिश भी कर दिया जाएगा और TSG वैम्पायर जो है फिनिश हो चुके हैं। और यहाँ पे मैग्नम ओपी के एक टीममेट जो है नॉकआउट हो चुके हैं, तो टीम और बंटा ने मैग्नम ओपी को नॉक कर दिया, ये बहुत ही मतलब खराब सिचुएशन होएगा जी। और यहाँ पे हेल्थ तो हो चुके कम मैग्नम की, और यहाँ पे बंटा के एक और बंदे जो है नॉकआउट हो चुके हैं और बंटा रिकी का हेल्थ तो वैसे भी लो है, तो यहाँ पे BDS किलर जो है वो अच्छा फाइट दिखा रहे तो कैसे हो आप लोग राहुल गेमिंग पबजी, हम लोग बहुत ही अच्छे हैं, होप आप भी अच्छे हो। यहाँ पे बंटाई के दो लोग जो है नॉक है, क्या उनको रेव मिल पाएगा टाइम टू टाइम, बिकॉज रिवाइव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बंटाई हैवी के ऊपर स्मोक हो चुका है और आई गेस BTF बंटाई को जो है यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जाएगा, BTF बंटाई को भी जो है फिनिश ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर जो है सागर के ऊपर प्री फायर देता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, सागर इज जस्ट वेटिंग फॉर द करेक्ट टाइम कि वो कब घुस के कब मारेंगे। यहाँ पर जो है सागर ने फॉल बैक कर दिया है और घुसने की कोशिश चल रही है, और मैग्नम को मतलब मालूम है कि ये सब होता है, और पीछे से वेब की टीम जो है वो रश इन कर रही है, वेब की टीम जो पीछे से थर्ड पार्टी कर रही है और मैग्नम ओपी को जो है नॉकआउट कर दिया। वेब ने जो है बंटाई की टीम को थोड़ा एडवांटेज तो दे दिया बट उस पर डिसएडवांटेज। यहाँ पर रिकी के ठीक एक घर सामने जो है यहाँ पर है, यहाँ पर DNS नाइट और नाइट, और यहाँ पर नाइट की टीम को भी सून फिनिश कर दिया जाएगा और रिकी को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया टीम नंबर ठीक मतलब पीछे से टीम नंबर 8 भी यहाँ पे आ रही है। ओ माय गॉड थर्ड पार्टी पे थर्ड पार्टी हो रही है यहाँ पे, आई गेस रैली भाई मुझे सुन पा रहे और यही चीज सिनेमैटिक व्यू में दिखा रहे, यस रैली ओपन द चैट गाइस। और यहाँ पे DS किलर जो है 1 HP के और बंटा की पूरी टीम को जो है एलिमिनेट कर दिया गया है, बट जो है DS किलर के भी टीम को जो मार गिरा थे पीछे से जो है TSG का दूसरा टीम आई गेस आ रहा है
यस यहाँ पे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले TSG का एक टीम एलिमिनेट हुआ, दूसरा टीम आ चुका है। टीम नंबर 15 के बाद आ जाओ, टीम नंबर 15 और टीम नंबर 11 बहुत ही करीब आ चुके हैं और यहाँ पर जो है चालू भी हो चुका है हमारा फाइट। और टीम नंबर 11 का जो एक बंदे को मार गिरा था ब्लेज, राकेश को मार गिरा था। टीआरएफ बम्बलबी ने यहाँ पर मिस्टर XXX को मार गिरा दिया है। क्या वो यही लीड बरकरार रख पाएंगे? और यहाँ पे देख सकते हैं TRF साइको जो है घुस रहे सीधा अंदर, एक बंदे को नॉकआउट करते हैं। ब्लेज राजेश जो है अकेले बाकी है, क्या दिखा पाएंगे उनके ऊपर जो है? और पूरा का पूरा टीम 11 जो है वाइप हो चुका है। एक बार TRF OP इन द चैट गाइस। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थोड़ी दूरी तो बनाए रखी है हर टीम ने। और यहाँ पे एयरड्रॉप आ रहा है, थर्ड एयरड्रॉप, और जो एक फ्लेयर है और इस फ्लेयर के अंदर आ रही है, एक सेकंड गाइस मैं देख लेता हूँ, दो दो फ्लेयर आ रही है गाइस। ओपी गाइस एक बार ओपी इन द चैट कर दो। यहाँ पे जो है दो दो फ्लेयर आ रही है और दो दो, पहले फ्लेयर के अंदर है MK14 और OG, और दूसरे फ्लेयर के अंदर है MK14 और DBS। यानी इस टीम के पास दो दो MK14 और एक OG है जो एकदम खतरनाक फायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पे MK14 को लूटते हुए हमें दिखते हैं टीम नंबर 5 के बंदे। आई गेस उनको लेना चाहिए MK14 बिकॉज MK14 इज द डेडलीस्ट गन एवर इन्वेंटेड इन हिस्ट्री बिकॉज का डैमेज है 61 और बाकी सबका 40। और यहाँ पे देख सकते हैं सिक्स एयर ड्रॉप एक फ्लायर मांगा है टीम नंबर 10 ने। आई गेस जो है हमारा रैली ऑफिशियल्स ने उधर आ रहा है MK14 और ग्रोजा, तो आई गेस इनको थोड़ा बहुत फायदेमंद ही होगा बिकॉज MK14 एंड ग्रोजा इज अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। या ये क्लोज रेंज में कोई आ जाए तो मतलब बच के ना जाए। और यहाँ पे नेज एलविश के पास जो है एक ड्रॉप आया, आई गेस नेज एलविश ने उनको लूट लिया है। पीछे जो है टीम 14 आ रही है टीम 10 के पास बिकॉज जोन के अंदर जो इनको क्लोज इन करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ज़्यादा कुछ मुकाबला तो हो नहीं रहा, बट टीम नंबर 8 जो है टीम नंबर 3 के बहुत करीब है और उनका आई गेस स्नाइपिंग हो सकता है। पिक्सेल को दिखाओ भाई, पिक्सेल को दिखा दो एक बार। हाँ मैंने दिखा दिया पिक्सेल को, देखा था मैंने। नाइस। टीम 15 को दिखाओ, टीम 15 को दिखा लीजिए। टीम 15 का अभी जस्ट फाइट हुआ, स्क्वाड वाइप किया उन्होंने एक बार। TRF ओपी इन द चैट गाइस। बम्बलबी को मैंने एक चैलेंज दिया था कि नाइट के साथ मुकाबला करो, बट अभी तक नाइट के साथ मुकाबला नहीं कर रहा है। आई गेस अभी मैं पोजीशन बता रहा हूं कि जो नाइट का है वो है लाख कोब्रेरिया में, तो आप जाके उनके साथ फाइट ले सकते हो बिकॉज़ यू एक्सेप्टेड फॉर द एपिक फाइट इन द मैच। वेब का टीम जो यहाँ पर एक और फ्लेयर चला चुका है, तो फ्लेयर बहुत ज्यादा ही मिला है मेरे उम्र में इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है एक के बाद एक फ्लेयर चलते जा रहा है। बिकॉज आप रैली का टीम ने एक फ्लेयर चलाया है, TW टीम ने दो फ्लेयर चलाया है। और रिक्वेस्ट आया कि टीम 2 को दिखाओ, अभी दिखाएंगे गाइस टीम 2 को। नेस टीम को देख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल गाइस नेस टीम को यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और यहाँ पे टीम नंबर 2 के पास टोटल किल्स तो 0 है, बट मैंने जैसे बोला टीम नंबर 15 को जो यहाँ पे कर देना चाहिए टीम नंबर 1 के ऊपर रश। और यहाँ पे ग्रोजा आ रही है एक सरकारी ड्रॉप पे, और यहाँ पे वेब टीम के पास जो ड्रॉप आ रही है उस ड्रॉप के अंदर है, उस ड्रॉप के अंदर है ओम और M249। तो ओम के साथ एटेक भी है, तो मतलब डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन एवर गाइस बिकॉज ओम फॉर लॉन्ग रेंज एंड M249 फॉर मिड रेंज एंड क्लोज रेंज। यहाँ पे टीम 9 को देख सकते हो, टीम 10 और टीम 14 को देख सकते हैं। क्या भाई टीम 14 में सब लोग ऑफलाइन है क्या? क्या सीन चल रहा है? जोन के बाहर हिल बेटिंग कर रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है अभी से शुरू कर चुका है। ड्रिफ्ट का फ्रोस्ट को देख सकते हैं एक ही जगह पे जो है स्नीक करके बैठे हुए, इट विल नॉट बी अ फाइट। नहीं जोन के बाहर से अभी वो लोग मिराडो लेके जाएगा जोन में, मुझे ऐसा लग रहा है। बट यहाँ पे टीम नंबर 14 के ड्रिफ्ट फ्रोस्ट को देख सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहे अपने फोर्थ प्लेयर टीम 14 के, आई गेस ऑफलाइन हो चुके हैं। शायद ऑफलाइन हो चुके हैं मुझे ऐसा लग रहा है अभी। यस और गाइस आपको ना अलग अलग मैप्स के लिए अलग अलग आउटफिट रखना चाहिए, जैसे DOD टीम का 420 ने रखा है, आप देख सकते हो 420 ओपी के बारे में, उनका जो एकदम ब्राउन कलर का आउटफिट पहना है, तो आप समझ सकते हो। ओके टीम नंबर 9 और टीम नंबर 7 थोड़ा ज़्यादा करीब लग रहा है, हम लोग एक बार देख लेंगे टीम नंबर 9 को। यस गाइस टीम नंबर 9 और टीम नंबर 7 आजू बाजू में गाड़ी घुमाती हुई नजर आ रही है। टीम नंबर 9 जो एक बस में घूम रही है, दो बसेस में डिवाइडेड है थोड़ी। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि बाजू में टीम नंबर 7 है, आई गेस स्पॉट आउट तो कर लिया बिकॉज एक व्यू तो डाला था,
और जो है उन्होंने एम करना चालू कर दिया वंडर समीम ने। यस, वंडर समीम को पता चल गया कि एक बंदा है टीम सेवन का यहाँ पर, और एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है बिकॉज उनको पता चल गया कि टीम नंबर सेवन की इकलौते बंदे जो है यहाँ पे अलाइव है। और जस्ट इन द मैप गाइज, और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी टीम टीम नंबर 18 जो है टीम नंबर 17 के बाद जो से ही क्लोज इन कर रही है, जो हमारी रैली वन की टीम है। और यहाँ पे बहुत ही खतरनाक गेम प्ले हमें देख सकता है बिकॉज रैली वन की टीम ने भी बहुत ही खतरनाक गेम प्ले दिखाया हमारे पहले मैच में। तो लेट्स सी गाइज हू टेक्स द टाइटल ऑफ चिकन डिनर इन दिस मैच। और गाइज आप लोग प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कौन सी टीम जीतेगी, और जो करेक्ट बोलेगा उसको क्या मिलेगा भाई आप ही बोल दो। शाउट आउट गाइज। यस गाइज, शाउट आउट के लिए तो लोग जान दे देते एकदम। और जो हम लोग जैसे कि देख पा रहे शुरू में थोड़ा कम फाइट हो रहा है क्योंकि हमारा टीम जो फाइनल में थोड़ा कम है क्योंकि 18 टीम फाइनल खेल रहे हैं और अभी हमारा जो ग्रुप स्टेज का खेल चल रहा है। टीम नंबर 9 के मेंबर ने जो टीम नंबर यहां पर वंडर समीम नॉक हो चुके हैं टीम नंबर 7 के इकलौते प्लेयर द्वारा, और टीम 7 जो पीछे से जब कवर इन कर रही है, और टीम 7 के एक और बंदे नॉक, टीम 9 के दो बंदे नॉक। टीम 9 के एक और बंदे नॉक, तो क्या यहां पे स्क्वाड वाइप दिखेगा टीम नंबर 7 के द्वारा। यहां पे जो है सुमन के ऊपर भी जो है फायरिंग चालू हो चुका है और सुमन को डैमेज पड़ता हुआ यहां पे, सुमन जो है अकेले यहां पे, और यहां पे जो है बहुत अच्छी तरह से कवर फायरिंग चालू है। तो देखते हैं गाइस कौन सा टीम जीतता है, और टीम 9 जो है पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुका है। और टीम नंबर 7 डीएस ने एकदम ओपी गेम प्ले दिखाया, जो हमारी पीएमआईएस की टीम है आई गेस, है ना भाई, पीएमआईएस की टीम है ना 7 डीएस। नहीं नहीं 7S था वो, 7S अभी एंटर नहीं किया रूम में उन लोगों ने, मालूम नहीं क्या दिक्कत होगा उन लोगों को, अभी हम लोग देख लेंगे। चलो नाइट ओपी, नाइट को दिखाओ, अभी दिखा देंगे ब्रदर नाइट टीम को। नाइट ओपी को देख सकते हैं अभी टीम नंबर 2 के करीब है थोड़े, तो फाइट होने का देख सकते हैं। बट आई गेस नाइट ने जो है बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई और अपने सेकंड मैच में जो अपना नाम कर दिया है उन्होंने, बिल्कुल कमबैक किया है उन्होंने जो M249 आ रहा है 8x के साथ। और रैली भाई मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि अभी जो स्कोर होने वाले फाइनल्स का, क्या वो स्कोर जो है पहले के बैच ए और बैच बी के स्क्रिप्ट से भी टोटल होने वाला है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, फाइनल का जो है पूरा अलग से होने वाला है और फाइनल अलग है। यस, फिर तो भाई नाइट टीम को फटफट से ये करना पड़ेगा अपना रैंक बढ़ाने के लिए। और टीएससी डेस्ट्रॉय एक बार एनिमीज को मार दे, एक बार हम लोग देख लेंगे टीम नंबर 8 को। टीम नंबर 8 जो है एकदम खतरनाक मिनी का स्प्रे दे रहे हैं, पिक्सल का जो टीम है सामने, ये बस पिक्सल के एक बंदे को मार गिरा दिया एनिमेश को। यहाँ पे टीएससी बापी जो है नॉक्ड आउट है, उनका एक सून रिवाइव मिल जाएगा कवर में, और पिक्सल अकेला है यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे, उसका दो बंदा अभी तक आया नहीं है, बस आ रहा है अभी गाड़ी लेके शायद ऑन द वे गाइस। और यहाँ पे बहुत ही करीब है और कवर के अंदर चले जाना चाहिए बिकॉज इट विल बी अ वेरी वाइज डिसीजन। और यहाँ पे आ गया है परिहर, करीब आ चुका है परिहर, बट उन्होंने दूसरा प्लेयर को नहीं लिया जो है हमारा GACS डेकर। और यहाँ पे जो आई गेस फॉल बैक करने की जो है प्लान चल रही है बिकॉज फॉल बैक विल बी द वाइजेस्ट डिसीजन ड्यूरिंग सच सिचुएशन। और पीछे से टीम नंबर 3 भी जो है क्लोज इन करी, टीम नंबर 3 ने टीम नंबर 8 को स्पॉट कर लिया जो हमारा वेब टीम है आप जैसे कि देख सकते हो सिचुएशन में। Okay. और यहाँ पे ओम है टीम नंबर 3 के एक प्लेयर के पास, मतलब बहुत ही भारी पड़ सकता है टीम नंबर 8 को ये वाला, और उनको जो है अभी तक टीम नंबर 3 स्पॉट, और उनके पास गोल्डन मिरर है गाइस। टीएसजी ओपी इन द चैट, TSG ओपी इन द चैट गाइस, जैसे कि हम लोगों ने बोला था जिसके पास गोल्डन मिरर रहेगा उसको शाउट आउट मिलेगा गाइस। yes, एक बार हम लोग देख लेंगे, इनको वीडियो दिखा लेते हैं कैसे चला रहे गोल्डन मिराडो TSG। ओके TSG, जैसे कि देख पा रहे हो गाइस हमारा गोल्डन मिराडो अभी TSG के हाथों में है। यस गाइस, एक बार TSG ओपी इन द चैट, ध्यान से चलाओ यार, ध्यान से चलाओ, बिल्कुल सोने की है ऐसी वैसी नहीं। और ये पूरी की पूरी टीम वही वापस आ चुकी है जहाँ पर से गोल्डन मिराडो मिलती है। यस गाइस, यहाँ पर ही गोल्डन मिराडो मिलती है और यहाँ से निकल चुकी है। और आई गेस टीम पिक्सल की जो है एक्सपोज में निकल रही है, और टीम 3 जो है वही पर है। टीम नंबर 1 जो एक अच्छी तरह से होल्ड कर रहे ताकि जो एंड बैटल है वो एकदम एपिक करें। और यहाँ पर रैली पर जो गोल्डन मिराडो फंसता हुआ जैसे कि देख पा रहा हूँ, and this will be the baddest luck because golden mirado hai bahut achhi gaadi aur abhi phas gayi hai because of the ek ridge ke wajah se phas chuki hai। koshish to ja rahi hai, bas ho raha hai, bas nahi ho raha hai, abhi malum nahi, koshish ja rahi hai, shayad ho jayega, ek bar piche ghuma ke dekh lo ekdam guys, ho gaya yahan par golden mirado hamara fir se chalu guys।
हैशटैग THG ओपन द चैट गाइस, गोल्डन मिराडो THG के पास अभी। टीम 15 को दिखाओ, टीम 15 जो है TRF टीम, TRF टीम के पास अभी पूरा पूरा चार किल है, जो एक टीम को वाइप किया है टीम XXX टीम को, और जोन बहुत छोटा हो चुका है अभी, सभी के सभी टीम क्लोज होते जा रहा है, अभी हम लोगों को फाइट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस सब के सब रेडी हो जाओ, एकदम धमाकेदार वाला बूम बम वाला गेम प्ले देखने के लिए। हमारा 48 लाइक हो चुका है, तो गाइस 4 लाइक चाहिए लाइक गोल कंप्लीट करने के लिए, तो गाइस कर दो ना, क्या जाता है गाइस, एकदम टीम 18। ओके अभी दिखा देंगे टीम 18 गाइस, टीम 18 को भी दिखा देंगे गाइस। और जैसे कि देख पा रहे हो हमारा टीम रैली ऑन, यहाँ पर सचिन जो यहाँ पर गाड़ी लेके जोन के अंदर मूव कर रहे हैं। यस गाइस, और हम देख सकते हैं कि रैली टीम के सामने ये टीम नंबर 14, टीम बहुत क्लोज हो चुका है, अभी फाइट देखने को मिल जाएगा शायद हम लोगों को, एक बार देख लेंगे टीम नंबर 17 नंबर 18 को दिखाओ, हमारा रैली वन जो है वो भी क्लोज इन कर रहा है। वेब राहुल ने यहाँ पर TGS कैप्टन को नॉक कर, देख मिनट देख लेंगे हम लोग वेब का टीम को, और आई गेस सबको मार गिरा दिया। ओ भाई गोल्डन मिराडो यहाँ पर उड़ा दिया क्या भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो, गोल्डन मिराडो मत उड़ाओ भाई, दूसरा गाड़ी जो भी उड़ाना है उड़ा लो। उन्होंने एक ही नेड में सबको कर दिया, मतलब दिस वाज अ वेरी, ओ भाई गोल्डन मिराडो का हालात आप लोग देख ही सकते हो यार, बट एक एकदम वाइज स्क्वाड वाइप देख सकते, मतलब एकदम खतरनाक प्रेडिक्शन लगा के जो है नेड किया था। या गाइस वेब राहुल ओपी इन द चैट, गाइस वेब राहुल ओपी इन द चैट, इन द चैट यहाँ पे परिहर को देख सकते हैं अपने स्क्वाड के साथ कैंप कर रहे टीम नंबर 4। सचिन खेलते खेलते आके बोल रहे हमारे टीम को दिखाओ, और हमारा मुफीजुल भाई बोल रहे सचिन तुम नहीं खेल रहे हो क्या ओपी भाई ओपी ओपी यार, इट्स द नेक्स्ट लेवल चालू। और पे टीम नंबर 5 जो टीम नंबर 1 और 2 के बीच में है, जो टीम नंबर 5 ओके नेज ने यहाँ पर नॉक कर दिया, TW का फाइट हो चुका है नेज के टीम के साथ, एक बार देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। एडवाइस बोल रहा हूँ टीम नंबर 5 के पास आ जाओ। ओके मैं आ चुका यहाँ पर, TW का दो बंदा नॉक है, तो उसको रिवाइव करने का कोशिश, स्मोक तो कर दिया, लेकिन टीम नंबर 2 भी यहाँ पर आ चुका है, टीम नंबर 1 भी यहाँ पे आ चुका है, सारी गाड़ियां टीम नंबर 1 भी आ चुका है, SLR लेके टिक्स के साथ ऋषि देख रहा है, लेकिन उसको स्पॉट नहीं हुआ अभी तक बंदा शायद। यस तो यहाँ पर तीनों का, तीन टीमों का फाइट एक साथ देखने को मिलेगा आप लोगों को। यस यहाँ पे हम देख सकते टीम नंबर 1 TW का जो दो बंदा था रिवाइव हो चुका है, लेकिन इन लोगों ने अभी फॉल बैक करने का सोच लिया, तो अभी TW जो फॉल बैक कर ले रहे हैं, नेक्स्ट का टीम को हम लोग देख लेंगे। और नाइट ऋषि जो है अपना SLR चला रहे, बट कनेक्ट नहीं कर पा रहे एक भी शॉट। SLR गाइस एक 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 सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, इसका जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा शाउट आउट। SLR का डैमेज ज्यादा है कि SKS का डैमेज ज्यादा है, कमेंट करो गाइस। मुझे तो मालूम है लेकिन नहीं बोलूंगा, चलो आप लोग बताओ चैट में, जो भी सही आंसर देगा उसको शाउट आउट मिलेगा गाइस। यहाँ पे टीम नंबर 2 को देख सकते हैं जो है, आई गेस उन्होंने स्पॉट आउट कर लिया टीम नंबर 1 को भी, और आई गेस टीम नंबर 1 पे जो है भारी पड़ना चल नहीं, अभी तक टीम नंबर 1 के साथ पंगे नहीं चल रहे सिचुएशन में, और जो इधर उधर देख रहे यहाँ पर MRX सोयल को नॉकआउट कर दिया DOD ने, जैसे कि मैं देखेंगे हमारा रैली ऑन का टीम यहाँ पर, गोल जाय ने यहाँ पर अल्फा को नॉक कर दिया, जैसे कि देख पा रहा हूँ मैं साई अल्फा को नॉक कर दिया, आई गेस स्किल भी जो है कंफर्म कर दिया है, और अल्फा को यहाँ पर किल कंफर्म, सोइल यहाँ पर नॉक पड़ा हुआ है, सोइल को रिवाइव शायद कर देगा, अभी थोड़ा रेंडर ग्लीज है हो चुका है गाइस, और यहाँ पे एक नेड हुआ है जैसे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ फायदा तो हुआ नहीं, सोइल यहाँ पर रिवाइव हो चुका है, और जो है 4-2 सिचुएशन है, और आई गेस स्प्रेड आउट होना इज वेरी वाइज, यानी हर जगह जो है मार सकते हैं, यहाँ पे नेडिंग चालू हो चुकी है और एकदम मुंह पे फटा है नेड, और SSD का जो है, ओके मैं एक बार सोइल को वापस से नॉक कर दिया है, डार्क ने यहाँ पर ओपी नेड किया था, आई गेस ये लोग को घर के अंदर चले जाना चाहिए, बिकॉज घर के अंदर वो सेफ तो रहेंगे एटलीस्ट, और यहाँ पे लव यू नेज एलवेज शो पे नेज ओपन द चैट, लव यू एलवेज नेज ओपन द चैट गाइस, टीम 1 दिखाओ, टीम 1 को हम लोग ने अभी दिखाया था फाइट के लिए, यहाँ पर जो गोल्ड मास्टर ने TOD420 ओपी को जो है पूरा फिनिश कर दिया, डॉक्टर जो यहाँ पे आई गेस फॉल बैक करते हुए नजर आते हैं, टीम नंबर 14 के इकलौते मेंबर क्या यहाँ पे, नहीं यहाँ पर जो है TPP ले रहे हैं कोशिश कर रहे, यहाँ पे बगी के पास आ चुके हैं, अभी बग्गी में बैठ के आई गेस निकल लेना चाहिए उन्हें, नहीं निकल रहे हैं से निकल लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने सोचा है कि मैं क्लास करके दिखाऊं, तो गाइस यहाँ पर हम लोगों को क्या क्लास देखने को मिलेगा। यस गाइस डॉक्टर डाक को देखते जो बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखा रहे पिछले उनके साथ, गोल्ड जाहिर को अपन पिक कर चुका है, प्यारा सा नेड गया है गोल्ड जाहिर के पास, पर नहीं वो थोड़ा गलत हो चुका है, यहाँ पे एक मस्त नेड आया है, और डॉक्टर डाक को दिख गया कि ये नेड यहाँ पर आया है, और डॉक्टर डाक जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, और एक जो है वहाँ पे नेड हुआ है,
ताकियों सा और रैली इमोन नहीं है अभी तो पता चल जाएगा कि क्या चालू ओके गोल जाहिर है पर 1 वर्सेस 1 हो रहा होने वाला है और यहां पर गोल जाहिर को नॉक कर दिया शायद फिनिश कर देगा और यहां पर जो मिस्टर टिमर एक सोइल के ऊपर स्प्रे आता हुआ दो बंदा आ चुका है एक साथ और यहां पर जो है डीआर डार्क को यहाँ पर और नासिम को यहाँ पर नॉक कर दिया गया जैसे कि हमारा रियली टीम का फाइट हो चुका फिनिश भी कर दिया तो रियली टीम का यहाँ पर तीन बंदा ऑफिशियल का जो टीम है तीन बंदे के साथ अभी सर्वाइव करना पड़ेगा ऐसा टीम नंबर वन के पास यहाँ पे बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाला है बिल्कुल डी का टीम है आई गेस जो बाजू में आ चुकी है नहीं 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 टी एक्स एक्स का टीम जो है टीम नंबर एलेक्स एलेक्स का टीम है ओके लेट्स गो गाइस एलेक्स वर्सेस अभी नाइट देखने को मिलेगा हम लोगों को तो गाइस देख लेंगे एक बार को जो है थोड़ा डैमेज हो गया बाजू में ही टीम नंबर 2 भी है यहाँ पे देख सकते हैं कि मिस नेड हो चुका है और सामने के सामने टीम है तो अभी जो है जोकर यहाँ पे है और पूरे के पूरे टीम जो यहाँ पे है और जो है ग्रेनिंजा पे जो फायरिंग तो कनेक्ट नहीं हुआ बट फायरिंग उसके ऊपर ही हो रहा है यहाँ पर साईफाई गेमर ने बोला SLR का डैमेज है तो वेरी बिग शॉट एकदम राइट आंसर गाइस एकदम राइट आंसर और यहाँ पे एक रॉन्ग नेड किया है हमारे ये और जो है एकदम खतरनाक नेड हुआ बट थोड़ा पीछे है और यहाँ पे द बॉस को मार दिया TWK टीम ने जैसे पीछे जो है टीम नंबर 5 की लड़ाई चालू है और यहाँ पे टीम नंबर 7 हम टीम नंबर 1 पे फोकस करते हैं बिकॉज़ यहाँ पर वेग ऑप्टोकस ने जो है यहाँ पे ओ माय गॉड किसको देखें हमें समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल गाइस टीम नंबर 1 जो है डैमेज तो दे रही है MRX सोइल को यहाँ पर नॉक कर दिया गया एकदम देख लेंगे हम लोग फिर से नाइट का टीम को देख लेंगे गाइस नाइट ऋषि यहाँ पर दो बंदे को नॉक कर दिया शायद एक बंदे को नॉक और रैली का जो टीम है शायद गाड़ी फोर के यहाँ पर पूरा का पूरा रैली ऑन जो टीम है यहाँ पर फिनिश हो चुका है जैसे कि देख पा रहा हूं मैं 70s ओपी इन द चैट गाइस जैसे कि ओपी इन द चैट मैं कौशल भाई ओके रैली और पीछे एक और टीम है वेब का टीम भी यहाँ पर पीछे आ चुका रिवाइव हो चुका है चारों का चारों बंदा और नाइट ऋषि ने एक दो को वापस जो है नॉकआउट कर दिया है यहाँ पे वेब ऑक्टोपस ने स्पैंडा को जो है नॉकआउट कर दिया है गाइस अभी तक उनका फाइट जो है चालू है और यहाँ पे जो है नाइट एवन ने ठोको राशि को भी मार गिरा दिया और ये चेंज है नाइट डबल को जो है नॉकआउट कर दिया नाइट डबल ने ठोको राशि को मार गिरा दिया विल दिस बी अ क्लच गाइस विल दिस और बहुत ही खतरनाक गेम खेला है और यहाँ पे नाइट ने जो है नाइट ओपी द चैट गाइस नाइट ने जो एक पूरा का पूरा स्क्वाड गाइस बाहर भी बहुत सारा फाइट हो रहा है हम लोग देख लेंगे सारे के सारे टीम एक साथ लड़ रहे हैं किसको दिखाए किसको ना दिखाए भाई बहुत मुश्किल सिचुएशन हम लोग लेकर आ रहे हैं यहां पे 70s को यहां पर नॉक कर दिया गया है रैली हृदय को यहां पर फिनिश कर दिया गया है जैसे कि मैं देख पा रहा हूं और जो टीम में बाकी है रैली इमोन और रैली गौरव ओके यहां पर टीम नंबर 4 और टीम नंबर ओके रैली इमोन को यहां पर नॉक कर दिया गया जैसे कि देख पा रहा हूं मिनी से गौरव अकेला जिंदा है और यहाँ पर रैली मून को पूरा फिनिश कर दिया गया है नेटिंग चालू है परिहार सामने है नेट गया है लेकिन वापस आ चुका है नेट यस क्या अभी इस गेम में कमबैक दिखा पाएगी हमारी रैली टीम और जो नाइट टीमों का टोटल किल्स जो है 4 है अभी फॉरवर्ड किया है सारी की सारी लूट जो है ले रही है MK14 वगैरह और यहाँ पर पिक्सल का टीम एलिमिनेट होता है यहाँ पर 8 नंबर पोजीशन पे नेस के पास टोटल किल्स है 3 यानी ऑलमोस्ट एक और पीछे से टीम नंबर 5 आ रही है जो है टीम नंबर और सामने टीम नंबर 1 भी है तो यहाँ पे फाइट तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है क्या टीम नंबर 5 टीम 1 पे रश करती है या फिर टीम नंबर 2 टीम 1 पे रश करते हैं बिकॉज टीम नंबर 1 के पास बहुत अच्छा एडवांटेज है टीम नंबर 1 के पास जो हॉट ड्रॉप के सारे वेपन्स हैं और यहाँ पे जो है फाइट चालू हो चुकी है और टीम नंबर 2 के बंदों का आएगा अभी तक पता चल गया रहेगा कि जो है बंदे यहाँ पर ही है यहाँ पर जो बहुत सारी पेटियाँ पड़ी है तो लूट रहे हैं और टीम नंबर 1 जो थोड़ी होल्ड कर रही है पीछे से टीम नंबर 2 भी आ रही है बाजू में से 15 टीम बाय गाइस जो है यहाँ पे टीम नंबर 7 के साथ जो है ल्यूम जो है यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर रहे हैं बट पीछे से फायरिंग भी आ रहा है यहाँ पर 70s को यहाँ पर थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो चुका है जोन के बाहर हेल बैटिंग कर रहा है यहाँ पर 70s के सारे प्लेयर एक बंदा नॉक हो चुका है आगे फाइट देख लेंगे TRF का यहाँ पर फाइट हो चुका है TRF के एक बंदे को जो है ऑम से नॉक कर दिया है हमारे वेब के एक प्लेयर ने TRF साई को यहाँ पर नॉक है दा बॉस यहाँ पर AKM लेके घूम रहे हैं बम्बलबी के पास AK M4 है और फुलटू के पास फुलटू भी नॉक है यहाँ पर
क्या फुल टू के यहाँ पर रिवाइव कर पाएगा? नहीं रिवाइव कर पाएगा, फुल टू के यहाँ पर फिनिश कर दिया गया। यस यहाँ पे साइको अकेला बचे हुए, आई मीन बम्बल भी अकेला बचे हुए, साइको को रिवाइव देंगे और पांडा जो है जोन के अंदर डैमेज खा रहे हैं और बम्बल भी को भी जो नॉकआउट कर दिया। अभी इकलौते मेंबर जोन के बाकी है वो है आई गेस द बॉस को, द बॉस को क्या अभी रिवाइव कर पाएंगे बिकॉज जो डैमेज हर जगह से। और यहाँ पर जो हमारा रैली का एक बंदा था उसको फिनिश कर दिया गया, तो रैली यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है हमारा। और अभी बहुत ही खतरनाक M249 का स्प्रे यहाँ पे हम सुन सकते हैं, दन 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 दन। और यहाँ पे उनको भी स्प्रे आता हुआ नजर आता है। आई गेस साइको को जो है अभी रख रिवाइव मिल जाना चाहिए बिकॉज उनका हेल्थ तो लो है, उनको ओपन में नहीं आना चाहिए। और आई गेस उनके ऊपर भी स्मोक हो चुका है और नेड होना चालू हो चुका है। और यहाँ पे टीम नंबर टू जो है टीम नंबर वन की तरफ फाइट लेते हुए नजर आती है। और यहाँ पे एल्विस को नॉक कर दिया है, नाइट जोकर को भी जो है नॉक हो चुके हैं। यहाँ पे क्या हमें एक खतरनाक फाइट देखने मिलता है, एल्विस को जो है अभी थोड़ी देर में ही रेव मिल जाएगा। टीम फाइव जो है टीम टू के ऊपर हमला कर रही है और टीम वन के पास एक एडवांटेज है कि ये साइड जो है पूरी की पूरी फ्लैट है। आप देख सकते हैं कि टीम नंबर फाइव टीम वन के ऊपर हमला ही नहीं कर सकती। हाँ भाई आप देख सकते हो ना कि टीम नंबर वन टीम नंबर फाइव ऊपर से टीम नंबर साइको अकेला बहुत ही कम हील के साथ हो गया। साइको ने फर्स्ट एड लगा लिया है, जोन शायद आ रहा है, क्या रिवाइव कर पाएगा अपने टीममेट को एक बार देख लेंगे हम लोग। आई गेस इस सिचुएशन में जो है रिवाइव हो जाएंगे बिकॉज सभी के सभी जो है जोन में ही है और एकदम खतरनाक कवर में है। और यहाँ पे टीम नंबर थ्री के तीन बंदे देख सकते हैं हम, बहुत ही लो एचपी हो चुके हैं उनकी। और यहाँ पे टीम नंबर वन के पीछे टीम नंबर फाइव की रश हो चुकी है, सामने से टीम नंबर टू की रश। अभी वो किसको संभालेंगे गाइस, बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन हो चुका है टीम नंबर वन को। बट क्या है और एक और जो है हर जगह से उनके ऊपर रश हो रहा है। टीम नंबर वन इज वेरी कंफ्यूज कि किसको किसको हम रिप्लाई करें और किसको हम जो है जवाब दें फायरिंग के द्वारा। और अभी टीम नंबर टू भी जो है रश कर चुकी है, टीम नंबर फाइव भी जो है रश कर चुकी है और टीम नंबर वन इज वेरी कंफ्यूज कि हम इस सिचुएशन में क्या करें। यहाँ पे नेड हो रहा है और टीम नंबर वन को मालूम है कि कैसे जगह पे छुपे कि नेड ना ही हो। और अभी टीम नंबर वन जो एकदम वाइजली खड़ी है एक जगह पे, टीम नंबर टू के प्लेयर्स आ चुके हैं यहाँ पे। एंड आई गेस टीम नंबर फाइव और अगर टू के बीच में फाइट हो जाए तो भाई टीम नंबर वन को बहुत ही फायदा हो सकता है। बट टीम नंबर वन का जो बहुत गंदा सैंडविच हो चुका है, ड्रैगन को जो है नॉकआउट कर दिया है। और आई गेस एक बंदा घुस चुका है जो है नेस एल्विश जो है सिचुएशन में घुस चुका है। और नाइट के डेविल ने जो है टीम के 20 गिरा दिया। एक और बंदे को बंदे यहाँ पे बाकी है, नाइट रेशी पे डिशी ने एक और बंदे को नॉकआउट कर दिया। क्या फ्री फायर के साथ घुस रहे टीम नंबर 14। एक बार टीम नंबर 1 के ऋषि को दिखा दो भाई। हाँ भाई ऋषि ने जो है यहाँ पे एकदम ओपी स्क्वाड वाइप कर दिया गाइस, नाइट ऋषि ओपी इन द चैट, टीम नंबर 2 को पूरा का पूरा वाइप कर दिया है नाइट के टीम ने, नाइट ओपी इन द चैट गाइस। और टीम नंबर 5 के इकलौते मेंबर यहाँ पे जिंदा है, नाइट जो है वापस चिकन डिनर निकाल पाती है और इस गेम को आई गेस अपने नाम कर ही देगी बिकॉज़ नाइट टीम जो है बहुत ही खतरनाक लीड में चल रही है। आपका क्या ओपिनियन है रैली भाई टीम नाइट के ऊपर? बिल्कुल टीम नाइट एकदम फिर से वापस आ चुका है जैसे कि देख पा रहे हो। और यहाँ पर एक और नॉक निकलता है जोकर को, यहाँ पर दिक्कत होगा। मामून ने यहाँ पर ग्रोजा 6x स्प्रे से जोकर को फिनिश अप कर दिया है। तो नाइट का भी 3 vs 3 हम लोगों को देखने को मिलेगा, वेब वर्सेस नाइट। तो यहाँ पर देख लेंगे कल का एक मैच में वेब ने जो है नाइट का टीम को पूरा एलिमिनेट किया था, तो अभी देख लेंगे क्या बदला ले पाएगा नाइट। और यहाँ पे जो ओम के फटके फटने चालू हो चुके हैं क्योंकि डेविल को यहाँ पर नॉक कर दिया ने, मामून ने यहाँ पर डेविल को नॉक कर दिया गाइस। ऑक्टोपस ने यहाँ पर नॉक कर दिया, लास्ट बंदा ऋषि बहुत हिल कम है अभी यहाँ पर, क्या क्लच दिखा पाएगा। यहाँ पर जो है वेब ने फिर से एक और बार नाइट का टीम को पूरा का पूरा एलिमिनेट कर दिया है, जो हमारा फाइनल का डे वन का डे मैच 3 था। वेब ने अपने नाम कर लिया है, 18 किल्स है टोटल, यानी उनको जो है 38 पॉइंट्स मिलेगा टोटल। बिल्कुल गाइस। और नाइट के टीम के पास हम जैसे कि देख सकते हैं बहुत ज्यादा किल्स है उनके पास है, 9 किल्स। एक सेकंड को चेक करने दो एक बार। यस गाइस 9 किल्स है और तो मतलब नाइट टीम का जो अभी भी बरकरार है डोमिनेंस। बिल्कुल गाइस, यस टीआरएफ ओपी है गाइस, टीआरएफ ओपी अच्छा खेला है टीआरएफ ने, 5 नंबर पोजीशन हासिल किया है। और वेब ओपी भी कर दो
और अगर वो लोग घर के अंदर ही और गाइस सबके सब एक बार एक साथ लाइक वाला बटन दबा दो, अभी तक लाइक गोल कंप्लीट नहीं हुआ मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ, सबके सब एक साथ लाइक वाला बटन दबा दो गाइस। और जैसे कि मैं एक टिप्स देना चाहता हूँ कि नाइट टीम को, उनको घर के अंदर ही रहना चाहिए था बिकॉज जो है नेट जो है बाहर ही हो रहा था और घर के अंदर से उनके पास एक अच्छा खासा हाइट था। घर के अंदर जोन था ना, शायद जोन नहीं था, नहीं नहीं जोन नहीं था, बस आधे घर के अंदर जोन था, बट आगे घर के अंदर वो कैंप कर सकते थे। अभी पॉइंट अपडेट कर दूंगा, तब तक आप लोग जेस्टर भाई आप लोगों का चैट का रिप्लाई देगा और आप लोगों से बात करेगा। तो चलो गाइस मैं थोड़ा ऑफ लेता हूँ अभी। और गाइस आप भाई आप थोड़े गाने लगा दो आपके साइड से। हाँ चल रहा है ना इसमें, मेरे को एक प्राइवेट, मेरे को आप लगा दो, मेरे को एक प्राइवेट बात करनी है एक बंदे से। मैं थोड़ा माइक ऑफ कर लेता हूँ। ओके ओके एक मिनट माइक ऑफ कर लेता हूँ मैं। ठीक है ठीक है एक मिनट स्ट्रीम में। रैली भाई एक अर्जेंट काम है। हेलो रैली भाई डिस्कॉर्ड पे। हेलो बताओ। एक बंदा आया हमें बोल रहा है कि कोई टीम हैक कर रही है आप ना, मैं आपको इनवाइट भेजता हूँ स्क्वाड में, वो आपसे बात करना चाहता है। डिस्कॉर्ड में? नहीं 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 अपना पबजी में। ओके मेरे पे आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, इन्वाइट करो, मैं इन्वाइट करता हूँ आपको, आप आ जाओ। लेकिन आपको इन्वाइट कर रहा हूँ मैं राजू भाई। ओके यहाँ पे इन्वाइट भेजा मैंने आपको, फटफट आ जाओ आप। ठीक है। हाँ हेलो हेलो। हाँ हाँ बताओ। हाँ ये ना जैसे कि दो टीम है, जैसे एक नाइट है और एक ये टीआरएफ है। जैसे कि हम लोग खेल रहे थे तो आज का क्या है कि सेनॉक वाला मैच था, हम लोग ने उसमें थे क्या कहते पीछे थे, वो रिज के पीछे थे उस साइड, किधर कैंप अल्फा वाले साइड, उसी साइड हम लोग पीछे थे। तो उन लोग का एग्जैक्ट M24 का शॉट लगा हम लोग को। तो ये चीज हम लोग ने भी बताया सचिन भाई को कि ऐसा ऐसा सीन हो रहा है, तो वो भी बोले कि शायद वो क्या कहते हैं ESP यूज कर रहे हैं उन लोगों, क्योंकि हम लोग ने उनकी तरफ एक भी फायर नहीं किया था क्योंकि हम लोग इधर फाइट में बिजी थे। फिर क्या हुआ कि इधर ये मीरामार वाला मैच हुआ, तो इसमें क्या है कि ये क्या कहते हैं यहाँ पे वाटर टैंक, वाटर जो इधर जो एरिया है वहां पर वो लोग एग्जैक्ट आके टीआरएफ वाले रुक गए। हाँ यहाँ पर सब आके एग्जैक्टली वही रुके जहाँ हम लोग थे, हम लोग ने एक फुट स्टेप भी नहीं दिया था। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग लूटने के लिए रुका है, ऐसा भी हो सकता है। तो सर मतलब उधर से फर्स्ट फायरिंग भी चल जाएगी। देखो मैं टीआरएफ का जो टीम है एकदम कवर में है, तो वो लोग उधर से फायरिंग चल जाएगी। टीआरएफ का टीम का मैं पूरा एको हो रहा है। एक मिनट किसका एको हो रहा है? एक मिनट किसका? जेस्टर भाई आपका इन गेम बंद कर लो। जेस्टर भाई आपका इन गेम बंद कर लो। बंद कर दिया। हेलो जो टीआरएफ का टीम है, जो चारों का चारों बंदा खेल रहा है, चारों से मैं खेला हूँ और चारों मेरा फ्रेंड है। हेलो अभी हेलो आवाज नहीं आ रहा मेरा। हेलो हाँ हाँ तो एक बार आप चेक कर लेना, मेरा को यही कहना था क्योंकि मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही खेल रहे हैं अपने स्किल्स वो करने के लिए, लेकिन वो जिस तरह से वो हम लोग को वो कर रहे थे तो वो हम लोग को थोड़ा अजीब लग रहा था। आप अगर दूसरे टीम को बोलते ना तो मैं एक बार देखता। टीआरएफ का टीम का कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरा फ्रेंड है वो सारे लोग। यार एको हो रहा है किसका? मैं बोल रहा हूँ करेंगे। ठीक है हमें वही कंफर्म करना था क्योंकि ना उन लोग बड़े उस तरह से मार रहे थे। चलिए कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। टीआरएफ का जो टीम है मेरा दोस्त है, मैं सबके साथ खेलता हूँ और सब और रियल अकाउंट से खेल रहा है। ठीक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा टीम होता तो मैं एक बार देख लेता। टीआरएफ नो हैकिंग गाइस।
ओके ओके नाइट को एक बार देख लीजिएगा बस, थैंक यू भाई यार, गुड नाइट। ओके नाइट का मैंने पूरा का पूरा नाइट का मैं पूरा का पूरा टीम को दिखा चुका हूँ। वो लोग सीजन 2 से खेल रहे हैं, चारों को चारों जो प्लेयर खेल रहा है सभी का अकाउंट दिखाया मैंने, क्योंकि पहले भी बोल चुका है किसी ने कि नाइट का कुछ हैकर है, तो मैंने काम किया, चारों का चारों को प्लेयर अकाउंट दिखाया। सीजन 2 से खेल रहा है और मतलब सारे के सारे एकदम लीगल प्लेयर है। ओके ओके कोई नहीं तो ओके अभी तो अभी दो दिन और चलेगा मैच। हाँ अभी अभी देखो दो दिन और चलेगा, आज डे 1 है, कल डे 2 होगा और परसों डे 3। ओके ओके मुझे मतलब मालूम नहीं, आई गेस गेम के अंदर से होता रहेगा। आज मैच खत्म ना ब्रो? हाँ आज का 3 मैच खत्म हो चुका है, तो थोड़ा बात करनी है। ओके बाद में बात कर लेते हैं। और गाइस हमारा 52 लाइक गोल है, तो गाइस सबके सब दबा दो लाइक बटन। भाई स्ट्रीम कब खत्म करना है बोल दो। अभी मुझे पॉइंट अपडेट करना है, पॉइंट बाद में कर दूंगा। चलो अभी हम लोग चैट देख लेते चैट। हाँ खेलूंगा ना आज, मैं नहीं खेल पाऊंगा, मेरे को अभी मतलब सुबह खेल चुका हूँ मैं, बस स्ट्रीमिंग के लिए अलाउड है मेरे को। ठीक है खेलेंगे अभी। मैं थोड़ा मतलब गेम एग्जिट कर देता हूं, आपसे बात कर देता हूं। आप लोग बात करो, मुझे ना थोड़ा काम है, तो मैं स्ट्रीम में एंडिंग स्क्रीन वाला वो लगा के जा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, फिर आके गेम खेलूंगा मैं। ठीक है खेलो भाई खेलो। अभी स्ट्रीम एंड कर रहे हो क्या? नहीं एंडिंग वाला सीन लगाया मैंने, एंड नहीं हो रहा। अच्छा पॉज हो रहा है मतलब। तो नाइस नाइस, मैं एग्जिट डिस्कॉर्ड से भी ये कर रहा हूं, लीव कर रहा हूं अभी के लिए।
feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me.